शुरू करें। सबसे पहले टीचर डे पे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तक फैकल्टीज आए हैं और हमारे समक्ष बैठे हैं दीपेंद्र मोहन जी और गुरु जी विल ज्वाइन सून और बत्रा जी जो हमारे टैक्स गुरु और जीएसटी गुरु वो भी हमें बड़ी जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं सबको शत शत नमन प्रणाम करता हूं कि उनकी बदौलत नॉट ओनली हमारा प्लेटफॉर्म मेंबर्स की अपग्रेडेशन और हमारे प्रोफेशन को जो सर्विस मिल रही है वो सब इन टीचर्स की बदौलत ही है कि हम अपने आप को अपडेट रख पा रहे हैं और यहाँ पे पहुँच पाए हैं ड्यू टू देयर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट एंड देयर लर्निंग जो उन्होंने हमें दी है अब तक, तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इस काबिल हो पाए हैं। टीचर डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर डे के उपलक्ष्य पे ही हमने ये प्रोग्राम रखा है। हालांकि हम सब समझते थे कि ये प्रोग्राम लाइक लास्ट ईयर ब्लॉकबस्टर होगा। ब्लॉकबस्टर नहीं तो कम से कम लास्ट टाइम क्या था कि सभी मेंबर्स इस प्रोग्राम में मोर देन 10,000 मेंबर्स वर लाइव। जब हमने प्रोग्राम तीन इंस्टीट्यूट लेवल पे भी डायरेक्टर्स कमेटी में मैंने एज ए मॉडरेटर किए थे, वॉइस ऑफ सीए पे भी किए थे। इस साल मैं समझता हूं कि हमारे मेंबर गुरुओं की बदौलत इतने लर्नड और सक्षम हो गए कि अब वो फॉर्म भर सकते हैं। एटलीस्ट मैंने भी एक फॉर्म भरना था जहां पे मेरे को दिक्कत आई, मैंने पुराने वाली कॉपी से रेफर कर लिया, तो हो सकता है इस वजह से। तो वो ऑलरेडी गाइडेड और लर्नड है कि पिछली बार जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लगभग 44-45 क्लोजेज हैं शायद इसमें, एग्जैक्टली मेरे याद नहीं, 44 है शायद 10B में। तो लाइक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेज हैं कि आपने डोनेशन को 15 नंबर में दिखाना है, 23 नंबर में दिखाना है, 27 नंबर में दिखाना है, जहाँ आप ट्रस्ट की इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हो, जहाँ डोनेशन अर्न कर रहे हो, डोनेशन कौन सी डोनेशन है, जहाँ आपको मतलब कैश में आई है, जहाँ विदाउट पैन आई है, अनोनिमस है, बहुत सही दिक्कतें हैं। और फिर उसमें अगर आपकी चैरिटेबल के साथ रिलीजियस है, 5% से ऊपर कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी, आज भी इतनी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। और इवन दो मैं डेली इतने मेरे को फोन आते हैं कि जी 5 करोड़ से कम है, इसके ऊपर हमने यूटिलाइजेशन 85% करनी है नहीं करनी, 10B जाना है बी भी नहीं जाना है, 1023C में जाना है नहीं जाना है, 12A में जाना है नहीं जाना है। तो बहुत सी अभी भी स्टिल क्वेरीज हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो हम आज से 25 साल से कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो 10B तो लास्ट ईयर मॉडिफाई हुआ है, 10BB की बात तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, वो बच्चा है, जब आपने 10B सीख लिया तो वो तो इसका बच्चा ही है, तो उसमें तो छोटा फार्म है 5 करोड़ से कम वालों के लिए। अगर आपको 10B की क्लोजेस की समझ आ गई, उसमें क्लोज नंबर ही चेंज हुआ है, लैंग्वेज सेम है, और मैटर उसमें 25% भी नहीं है 10B का। तो इस वजह से हम 10B पे कर रहे हैं, 10BB पे उसको नहीं छेड़ रहे, क्योंकि आपको इससे जो लर्निंग मिलेगी वो आप सिमिलरली 10BB में भी यूज कर पाओगे। बाकी मैं जो हमारे साथ पैनलिस्ट में राम बंसल जी जुड़े हैं, नेहा संजय अग्रवाल और ऋषभ संजय अग्रवाल, ये भी हमारे दो स्पीकर भी हैं और मॉडरेटर भी हैं। नेहा जो हमारे काफी प्लेटफॉर्म चला रही है, मास्टर ब्रेन्स भी चला रही है और भी बहुत प्रोग्राम, और ऋषभ जी हमारे इंटरनेशनल टैक्स पे एक्सपर्ट हैं, ये दुबई प्लस इंडिया दोनों जगह से मैनेज कर रहे हैं अपना ऑफिस। और कोई भी आपकी इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्वेरी हो, अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल, तो उसके ऊपर ऋषभ जी रेगुलरली प्रोग्राम करते रहते हैं। विनम्र गुप्ता जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारे जीएसटी एक्सपर्ट हैं और इनकम टैक्स के भी एक्सपर्ट हैं। मैं तो इनको कॉम्बो कहता हूँ, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में ये मास्टर हैं हमारे विनम्र गुप्ता जी। और हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो गई है जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आप सबका एक बार फिर से वॉइस ऑफ सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम पे जो हमने आज प्लान किया है, जिसमें हम गुरुओं के साथ भी रूबरू होंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश उज्जा जी से और सीए अशोक बत्रा जी से और दीपेंद्र मोहन जी से हम स्टार्ट करेंगे आज का ये प्रोग्राम जो हम 10B के ऊपर कर रहे हैं, ताकि मेंबर्स जो रिमेनिंग 25 डेज हैं उसमें पूरे मन धन से और ढंग से सब चीजों को क्लियरली 10B को अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर सकें, इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है।
एक दो इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, अगर कोई भी मेंबर पैनलिस्ट में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। मैं बस एक अनाउंसमेंट करूंगा कि कैंडिडेट काइंडली दूर रहें, क्योंकि उनकी कल को पैनलिस्ट में आके डीसी होगी तो हम उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए वो उनके लिए जिम्मेवार नहीं है। हमें पता चलेगा कि कैंडिडेट है तो हम निकाल देंगे उसका नाम। हम तो सिर्फ एक के लिए काम करते हैं, आप नाम नहीं ले सकते उसका भी, किसके लिए काम करते हैं। आप सबको पता ही है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। बाकी बाकी कैंडिडेट दूर रहें, क्योंकि सुन सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन भी अगर कैंडिडेट काइंडली ना पूछे, अगर वो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछेगा तो वी विल रिक्वेस्ट देम कि हम उनका क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जहां उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी अनवॉरंटेड हमारे प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ले जो एज पर कोड ऑफ कंडक्ट अलाउड नहीं है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मतलब कहते हैं गुड लिसनर बने, सुने। अब तो वैसे भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपने वोटें लेनी है तो आपको वोटरों का वैसे ही सुनना पड़ेगा। तो आप सिर्फ पार्टिसिपेंट में रह के सुने, तो विद दिस वर्ड्स मैं, अगर कोई और हमारा वोटर आना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो हम वो अपना हैंड रेज कर दें, हम उनको पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो विद दिस वर्ड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और एक और अनाउंसमेंट है डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर, अभी जब हमने ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया था, दीपेंद्र मोहन जी भी पूछ रहे थे, डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ रहा है, इन्फॉर्म रादर अपडेट कर रहे थे, तो उस पर काम शुरू भी हो गया। तो एक मार्केट में बड़ी मिस्ड और जो क्या कहते हैं मिसकनसेप्शन बड़ी फैलाई जा रही है कि जी डायरेक्ट टैक्स कोड में ऑडिट चला जाएगा, टैक्स रेट ये हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन ये होगी, डिफिकल्टी ये होगी। मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं, अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता भी क्या बन के आएगा, क्योंकि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ कमेटी में कि क्या बनना है, क्या स्ट्रक्चर है। तो हमको कैसे पता चल जाएगा, जिन्होंने बेनिफिट लेना है, जो मिसकनसेप्शन फैला रहे हैं उनको कैसे पता चल जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या आ रहा है, ऑडिट आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, टैक्स रेटों में क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो इनको दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक तो इनका ड्राफ्ट आएगा। जब ड्राफ्ट आएगा तब पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में कमेंट आएंगे, तब जाके कहीं पता चलेगा हमें कि इसका ऑडिट जा रहा है या आ रहा है, या कहीं कोई दिक्कत है। देन इंस्टीट्यूट और एज ए पब्लिक हम उनको फिर अपना इनपुट देंगे, उसके बाद जाके फिर कहीं 28 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करेंगी, उसके बाद जाके कहीं 1 अप्रैल से वो एक्ट के रूप में आएगा। तो इस वजह से कोई वरी ना करें और जितनी भी अफवाहों पे ध्यान मत दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा जी से कि वो हमारे आज के जो फैकल्टी हैं दीपेंद्र मोहन जी को इन शॉर्ट इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हम प्रोग्राम का आगाज करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। ये सारे न्यूज फेक न्यूज है, प्लीज ये ना पढ़ें। स्पेशली सोशल मीडिया की न्यूज तो पढ़नी ही नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू रीड समथिंग, सीपीडीटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाके पढ़िए, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके पढ़िए, या अच्छे न्यूज चैनल्स के सोर्सेज से पढ़िए। ऑल ऑल दीज फेक न्यूज शुड नॉट बी टेकन हीड, और हम लोगों को इतना घबराना और पैनिक नहीं करना चाहिए इन इन जस्ट 1 मिनट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड सभी गुरुओं को मेरा नमन ऑन दिस हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑफ वॉइस ऑफ सीए। ये हमारा शायद तीसरा या चौथा साल है जहाँ पर हम कंटिन्यूअसली एवरी टीचर्स डे पे एक प्रोग्राम करते हैं अपने सारे गुरुओं को नमन करने के लिए। एंड हर साल वेबिनार एक से बढ़ के एक होता है वो, विच एड्स वैल्यू टू आर मेंबर्स लाइफ एंड देयर प्रोफेशन। और अभी इस बिजी टैक्स ऑडिट सीजन में और ट्रस्ट के सीजन में ये वेबिनार की बहुत जरूरत थी। क्विकली इंट्रोड्यूसिंग दीपेंद्र मोहन सर, ही इज अ फेलो मेंबर ऑफ आईसीएआई, ही इज अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा, ही इज इन प्रैक्टिस सिंस 1995 एज अ पार्टनर ऑफ मेसर्स एस एन गुप्ता एंड कंपनी इन आगरा। ही हैज ऑल्सो डन डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट्स एंड फोरेंसिक ऑडिट। ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ रीजनल डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमिटी ऑफ सीबीडीटी, ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूपी सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल फीस रेगुलेटरी कमिटी। मिस्टर मोहन हैज स्पेशल इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड ऑडिट with emphasis on taxation of charitable and education institution. He has presented various papers and presentation at branches of ICAI, ICSI, Income Tax Department, various trade bodies, and so much more. He has also made presentations before Honorable Finance Minister, State Finance Minister, Union Revenue Secretary, and many more ministers at various forums. Voice of CA welcomes you again, sir. Over to you. Thank you, madam. Thank you so much. And on today's special day of Teachers' Day,
I also bow my head to all my gurus and teachers who have taught me and who have made me to come at this platform and be a chartered accountant and a person in life. I really bow my head to all those gurus to me and to everyone. Starting with today's topic, we have the presentation. I have the presentation on important clauses for Form 10B. So I'll share that PPT with the forum. I'm just opening it. One second. Yes, I think now it is visible. Yes, sir, visible. Ji, sir. Yes, so the new forms which were there in Form 10B and 10BB, as Ashwani ji in the introduction to this webinar stated, that they were notified last year. And from last year, 1st April 23, they are now to be used for the audit of charitable institutions. And last year, we had files online. So that was the first year. Now this is the second year. Some problems, some issues were there in these forms last year. So we had a webinar. Now we have matured, I would say matured, but not matured enough maybe to have rightly filled these forms. When Ashwani ji requested me to have a webinar on it, I was more than happy, and especially on this pious day of Teachers' Day. So starting with Form 10B, and there was an amendment in Rule 16CC. Then Rule 17B stipulates the audit report to be in the cases of charitable and religious institutions. So now basically we have two forms, 10B and 10BB. The issue regarding these is that when we have to decide initially as to which form has to be filled up. The form which has to be filled up, we should all be knowing it as to which form is to be filled up and where the receipts of the charitable institution per se are below 5 crore of rupees, then Form 10BB is required. So this PPT, this slide which states that in these three conditions, Form 10B is to be filled up. So first, if we see and segregate the institutions which we have and which we are doing the audit of, jahan bhi receipt 5 crore se upar hai, humko Form 10B file karna hai. So that is the basic thumb rule in this regard. And institutions which have received a foreign contribution, jo FCRA mein registered hain and have received foreign contribution, they have to fill up this Form 10B. अगर उनकी रसीद 5 करोड़ से नीचे भी है, then also they are required to fill form 10B. 10B is also to be required to be filled up by institutions जिन्होंने income outside India charitable purpose के लिए apply किया है. हालांकि that would not be allowed as a charitable expenditure, but if they have applied outside India, then also they are required to fill form 10. So basics. रिसीट 5 करोड़ से ऊपर या एफसीआरए और फॉरेन और आपने फॉरेन में लगाया इन्वेस्टमेंट देन यू हैव टू फिल अप फॉर्म 10B अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू फिल फॉर्म 10BB सो जैसा अश्वनी जी ने बताया काफी सारी इंस्टीट्यूशंस हमारी फॉर्म 10BB में निकल जाती हैं और 10BB फॉर्म काफी छोटा है इन कंपैरिजन टू फॉर्म 10B 10B has 49 clauses and 10B mein 10-12 clauses hain and effectively it is very simple to be filled up. That is why the government has made the form
regarding to in as that it is. Before going on to the specific forms, there were certain issues which I thought over the year we have matured enough, but I thought we should be, I should try to bring it to the knowledge of the members. हालांकि सबको पता होगा उसके बारे में, बट देन ऑल्सो आई थॉट इट प्रूडेंट टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द मेंबर्स, सो दैट जस्ट टू ब्रश अप देयर नॉलेज इन दिस टैक्स ऑडिट फाइलिंग सीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल द इशू विच आई फेल्ट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स डेलिब्रेशंस एंड न्यूमरस कॉल्स विच आई रिसीव्ड वॉज रिगार्डिंग कॉर्पस डोनेशन, कि वॉट हैज टू बी डन अबाउट कॉर्पस डोनेशन. लास्ट ईयर मेंबर्स वुड रिमेंबर कि कॉर्पस डोनेशन में मेजर चेंज लाए थे सीबीडीटी के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट में. द चेंज वॉज दैट कॉर्पस डोनेशन के लिए यू हैव टू हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट और सेपरेट इन्वेस्टमेंट वेर इन दिस कॉर्पस डोनेशन हैज टू बी केप्ट. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. And this year also, lot of my client, when they came, they had shown donation received as corpus donation. But जब उनसे inquire किया गया, देखा गया कि भाई ये corpus donation का पैसा आपने अलग bank account में receive किया है या अलग bank account में रखा हुआ है, तो कुछ जगह पाया कि उनका अलग bank account नहीं था या investment भी corpus के नाम से नहीं हो रहा था. It can be a case where you receive money in your bank account, but then you should, and if you are investing it, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी और 11(5) परमिटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन इट शुड बी स्पेसिफिकली फॉर कॉर्पस फंड. इट शुड बी मेंशन्ड देयर, या तो हम नाम के आगे उसे कॉर्पस फंड कर सकते हैं, कॉर्पस डोनेशन कर सेग्रीगेट करके कॉर्पस इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, दैट वुड बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पस फंड. अनदर इंपॉर्टेंट चेंज वॉज इस साल से ही आया है, रादर ये तो 1 अप्रैल 2024 से आया है, दिस ईयर जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, कि जो डोनेशन अगर एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को दे रही है, देन दैट डोनेशन इज टू बी अलाउड और ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 85%. Meaning thereby that last year, when if you remember when the budget came and the discussion on budget took place, then the Honorable Finance Minister and the board had in various webinar seminars they had stated that what they are seeing is that charitable trust के पास अमाउंट आया और उसने उसको लेके फर्दर आगे किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, और इस तरीके से वो मनी को आगे ट्रेल बनाते हुए आगे फॉरवर्ड करते जा रहे थे, एंड 100% दैट अमाउंट वाज ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. तो उसको रोकने के लिए लास्ट ईयर अमेंडमेंट का करा था उन्होंने, विच इज एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस असेसमेंट ईयर 24-25, जिसके रिटर्न्स और ऑडिट हम कर रहे हैं. इट स्टेट्स दैट इफ अ इंस्टीट्यूशन इज मेकिंग डोनेशन टू अनदर 12 वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, देन ओनली 85% वुड बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. एंड उसके लिए सीबीडीटी हैज कम आउट विद अ सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2024 डेटेड 6 मार्च 2024, और उन्होंने उसमें एक टेबल के जरिए इंस्ट्रक्शन को समझाया है. जो सर्कुलर है उसमें टेबल बनी हुई है, उसको करा है. आई वुड रिपीट, सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2024. आई वुड रिक्वेस्ट मेंबर्स टू गो थ्रू दिस सर्कुलर एंड रीड दी सर्कुलर, बिकॉज इस एस्पेक्ट को सर्कुलर में काफी अच्छे से सीबीडीटी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम किस तरीके से 85% का यूटिलाइजेशन अपना एप्लीकेशन मानेंगे, और टेबल बनाई है उसमें उन्होंने सब 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, और दैट इज अ वेरी गुड टेबल. वन शुड रीड दिस सर्कुलर बिफोर फर्दर ऑडिटिंग दी अकाउंट एज टू हाउ दैट 85% इज टू बी कैलकुलेटेड. देन अनदर मेजर चेंज विच आई फाउंड ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो, दैट द एप्लीकेशन ऑफ इनकम हैज टू बी ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. ये लास्ट ईयर उन्होंने चेंज किया. इवन इफ वॉट एवर मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू आर फॉलोइंग, देन ऑल्सो
एक्चुअल पेमेंट जो आपने किया है वही एप्लीकेशन ऑफ इनकम आएगी। आई विल रन यू थ्रू द फॉर्म 10B वेर इन यू विल सी एट क्लॉज 31 एज टू हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड। अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रही हैं, देन ऑल्सो इट इज अ सिंपल वर्किंग विच इज गिवन इन क्लॉज 31 दैट जो लाइबिलिटीज उनकी हैं वो लाइबिलिटी ओपनिंग लाइबिलिटीज आपको दिखानी है और क्लोजिंग लाइबिलिटीज दिखानी है, और उसमें उसको जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज हैं वो अमाउंट आपको हटा देना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम में से बिकॉज वो आपने अमाउंट पे नहीं किया है, और जो ओपनिंग लाइबिलिटीज थी जो आप पे कर चुके वो आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लीजिएगा दैट दे हैव एप्ली टेकन आउट इन फॉर्म नंबर 31। लास्ट ईयर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो लाइबिलिटीज 1/4/23 से पहले की थी उनको हमको ट्रीटमेंट नहीं देना था, उनको हमको एज इट इज रखना था। सो अगर आपके पास 31 मार्च 2024 में कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो 1 अप्रैल 2023 से पहले की है तो प्लीज उसका इंपैक्ट अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ना लें। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्लॉज वॉज विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 40A3 एंड 40AIA। पहले ये दोनों क्लॉजेस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन ऑफ इनकम के लिए कवर्ड नहीं थे और इसमें कोई डिसअलाउंस अनलाइक बिजनेस एंटिटीज। वी ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी नो दैट फॉर बिजनेस एंटिटी दीज टू आर वेरी वेरी डेंजरस प्रोविजन्स, और अब तो 43BH आ गया है जो अश्वनी जी के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं खत्म हो पाया। बट कमिंग बैक हेयर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अगर कैश पेमेंट करती हैं 40A3 का वॉयलेशन होता है तो प्लीज उसको आपको डिसअलाउ करना है और उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानना है। लास्ट ईयर हमने कुछ केसेस में देखा कि कहीं कहीं 43 का डिसअलाउंस हमने कैसे पकड़ा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सेक्शन 194N में बैंक्स टीडीएस काटते हैं अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं ओवर अ सर्टेन लिमिट, 20 लाख ऑफ रुपीज या 1 करोड़ ऑफ रुपीज। तो काफ कुछ एंटिटीज में हमने ये पाया कि वहां पे बैंक्स ने कुछ चेक्स पेपर 194N में टीडीएस काटा हुआ था जहां कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर था या कहीं कहीं 20 लाख से ऊपर भी था तो, और उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया था बैंक को तो बैंक्स ने 194N में टीडीएस काटा। तो वी एज ऑडिटर हैव टू सी फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट विच एवर इज अवेलेबल टू अस, एंड अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 194N में टीडीएस कटा हुआ है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस इन दिस रिगार्ड दैट उसमें आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बेरर चेक से पेमेंट हो रहा है और वो असेसी ने 40A3 में डिसअलाउ नहीं किया हुआ है, आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया है। बिकॉज व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस इज दैट इवन इन बिजनेस एंटिटीज जब हम 40A3 का डिसअलाउंस के बारे में देखते हैं हम जनरली अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि सिंस द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट विद अस वी आर अनेबल टू कमेंट कि 40A3 का इंफ्रिंजमेंट हुआ है नहीं हुआ है। वो डिस्क्लेमर हम 10B की रिपोर्ट में भी डाल सकते हैं, बट अगर 26AS में अमाउंट कोई 15,000 का अमाउंट पे टीडीएस कटा हुआ है, कोई 25,000 के अमाउंट पे टीडीएस कटा हुआ है देन वी एज ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन दैट डिस्क्लेमर अलोन बिकॉज फॉर्म 10B के अंदर आपको टीडीएस कहाँ कहाँ कटा है उसके बारे में भी लिखना है। फिर हमारे इंस्टीट्यूट या इनकम टैक्स ऑफिस आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है कि जब इसका 194N में टीडीएस कटा हुआ था इन पेमेंट्स के ऊपर तो वाई डिड यू नॉट फर्दर इंक्वायर अबाउट इट। सो प्लीज 194N ऐसा सेक्शन है विच कैन गिव यू सम प्लेसेस इंफ्रिंजमेंट इन सेक्शन 40A3 स्पेशली वेयर दी बैंक पेमेंट्स आर देयर ऑन अ बियरर बेसिस। 40AIA अगेन सेज दैट जहां टीडीएस कटना था आपने टीडीएस नहीं काटा तो उसका क्या होगा। अगेन एप्लीकेशन ऑफ इनकम के अंदर सेक्शन 11 में अमेंडमेंट आ चुका है, लास्ट ईयर भी आ चुका था, इस साल भी है। अब आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज
लास्ट ईयर आई विद माई ऑब्जर्वेशन इन मेनी ऑफ द केसेस आई फेल्ट दैट इन दोनों के इन्फ्रेंजमेंट हो रहे हैं, और कुछ वेबिनार्स में लोगों के क्वेश्चंस थे बिकॉज ये नए प्रोविजन्स थे इन रिगार्ड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज व्हाई आई थॉट टू कंसिडर इट ओवर हियर। नाउ वी हैव फॉर्म 9A। अब इशू ये आता है 9A में, कभी कभी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं दैट वी डोंट रिसीव दोज इनकम्स। सो व्हेन अ इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड देन हाउ कैन वी स्पेंड दैट इनकम। सो फॉर दैट सेक्शन 11(1) इज वेरी क्लियर दैट इफ द इनकम इज नॉट रिसीव्ड देन वी कैन फाइल फॉर्म 9A एंड वी कैन से दैट जब वो इनकम रिसीव होगी हम उस साल या उसके नेक्स्ट ईयर में उसको खर्च कर लेंगे। दैट इज टू बी स्टैट्यूटरली फाइल्ड इन फॉर्म 9A। दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी फाइल्ड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देन एट मेनी प्लेसेज वी सी दैट फॉर्म 10 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। फॉर्म 10 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन अ केस वेयर दी अनस्पेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन 85%। जहां पर आपका अमाउंट 85% खर्च नहीं हुआ है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, देन यू हैव टू सी दैट फॉर्म 10 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। एंड उसके लिए एक रेजोल्यूशन की कॉपी जाती है, ये रेजोल्यूशन लगता है, एंड एक चार्ट है फॉर्म 10 के अंदर दैट हैज टू बी करेक्टली फिल्ड अप एज टू हाउ एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप। सो दे दीज टू फॉर्म्स आर टू बी फिल्ड बाय द असेसी बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। लास्ट ईयर अ सर्कुलर केम बिकॉज एक्ट में प्रोविजन था कि ये फॉर्म आपको 2 महीने पहले फाइल करने हैं रिटर्न फाइलिंग से, दैट वॉज टिल 31st of August। बट देन अ सर्कुलर केम विच स्टेटेड दैट दीज टू फॉर्म्स कैन बी फाइल्ड बाय द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एंड अ बेनिफिट ऑफ दीज फॉर्म्स विल बी गिवन बिकॉज मेनी फोरम्स हैड रिप्रेजेंटेड बिफोर दी सीबीडीटी इंक्लूडिंग आवर इंस्टीट्यूट एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक दी सीबीडीटी केम आउट विद दैट सर्कुलर वे बाय दे स्टेटेड दैट यस यू कैन फाइल दिस फॉर्म 10 इवन बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग हम उसकी कंप्यूटेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा रिटर्न या कंप्यूटेशन नहीं बन जाए। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी मेक दी कंप्यूटेशन बिफोर वी फिल द फॉर्म 10BB और फॉर्म 10B। बिकॉज फॉर्म 10B फिल करने के लिए कंप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से सारी आप चीजें भर सकते हैं। मूविंग अहेड फॉर्म 10B इज देयर, इट इज अ सिंगल पेज फॉर्म। आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मी टू रिपीट दिस फॉर्म 10B, बट यस द एनेक्चर इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस which if the members also like, they can raise their hand in between and we can take those annexures. I'm opening form 10B here. Now I think form 10B is visible to the members. यस यस सर Yes, sir. So this form 10B का annexure है। Form 10B simple form है, उसमें कोई being the second year कोई ऐसी जरूरत नहीं है देखने की। But अगर कोई members की query है, they can definitely ask us. Form 10B is there. Form 10B states, one second. मेरे लिए गायब हो गया, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। यस फॉर्म 10B इज हियर। यस सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, आई थिंक ये शुरू के क्लॉजेस हैं। दीज आर वेरी बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, लीगल स्टेटस डालना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है। देयर इज नॉट मच इनटू इट। एक जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत छोटा सा क्लॉज है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑडिटी।
क्लॉज नंबर 11 है ये फॉर्म 10B में. आई वुड लाइक टू स्टेट हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटी इज रेफर्ड टू इन दिस फॉर्म एज अ वे ऑफ एनेक्शन वे बाय 1 to 8 सीरियल नंबर आर देयर एंड वी हैव टू राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हियर. नाउ मेंबर्स व्हाट हैपेंस हियर कि हमने जब अपना फॉर्म अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 12 फाइल किया था और अब हम जो उसका अपना ये फॉर्म 10B फाइल कर रहे हैं उसके अंदर भी वी हैड टू फिल अप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन. नाउ अंडरस्टैंड दैट दैट ऑब्जेक्ट व्हिच यू हैड फिल्ड अप व्हाइल टेकिंग द रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 10 ABACAD व्हाटएवर एंड नाउ द ऑब्जेक्ट विच यू आर फर्निशिंग ओवर हेयर बोथ दीज शुड मैच बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस फॉर लास्ट ईयर फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मेनी प्लेसेस वी सॉ दैट देर वॉज अ मिसमैच बिटवीन द ऑब्जेक्ट एज इट वॉज फिल्ड अप ओवर हेयर एंड द ऑब्जेक्ट विच वी टुक वेन वी टुक दी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A. बिकॉज अगर यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज है देन क्लॉज 12 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिकॉज क्लॉज 12 एंड द एक्ट सेज दैट इफ देयर इज अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन देन विद इन 30 days दे हैव टू बी नोटिफाइड और दे हैव टू बी नोटिफाइड एंड सेंड टू द कमिश्नर एग्जेम्पशन फॉर टेकिंग अ मॉडिफिकेशन एंड टेकिंग री अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A as the case may be. So we have to be aware. This was an important point which I thought I should bring it to the knowledge of the members because many a times क्या होता है कि staff भर रहा होता है हमारा form हमारे offices में और हम उसको क्योंकि object होता है हम उसको इतना गौर से नहीं देखते but then since now verification of the returns matching of the returns with all the database is taking place now the department is well equipped with the advent of AI also that they would automatically come to know that if there is a mismatch between the objects of the auditee as stated in the registration time and now as stated in form 10B यही ऑब्जेक्ट आपको मेक श्योर करना है दैट व्हेन यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम यही ऑब्जेक्ट वहां पर भी होना चाहिए यही और केवल यही. इसमें जो एक खास बात ध्यान रखने वाली है अ पॉइंट व्हिच यू वी शुड ऑल रिमेंबर दैट इफ वी आर फाइलिंग द ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट नंबर 8 एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी जिसको हम शॉर्ट में GPU बोलेंगे ड्यूरिंग आवर डिस्कशन देन यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर बिकॉज आफ्टर दी जजमेंट ऑफ अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ऑल दोस केसेस If your object is object number 8, that is GPU, then very many stringent things take place in your computation of income and many problems can arise. So what happens is at times the staff or we in shortage of time make the object as general public utility. My suggestion here would be that in the cases which we do the audit, GPU should not be the object of your institution. I'm not saying GPU should not be, but we should try to avoid it. We should try to encompass the objects between object number 1 to object number 7. Here, I can also state that we all know that last year Ram Mandir was inaugurated, and preceding to that, a lot of donation was taken for Ram Mandir. We all know that 80G donation is not applicable for religious institutions, especially where an institution is there and it's a mixed charitable and religious, and 5% से ज्यादा उसका खर्चा अगर religious activity के लिए हो रहा है, then 80G is not applicable. Clause 80G में दिया हुआ है. But construction of Ram Mandir was taken as preservation of monuments and places of artistic and all those things. So if we see that where
राम मंदिर वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड इफ वी कैन क्लेम दैट ओवर हेयर देन वाई डू वी टेक इट अंडर जीपीयू दैट इज माई क्वेश्चन एंड माई सजेशन टू द मेंबर्स प्रेजेंट ओवर हेयर सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड इफ आई कैन से 12 वुड फॉलो ओनली वेन 11 में कोई चेंजेस आए हैं 13 इज जो हमारा असेसमेंट जो हमारे को अप्रूवल्स मिले हैं उनके बारे में डिटेल देना है 14 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कैसे मेंटेन करना है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर से ही आया है ये इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रूल भी आ गया है सो प्लीज बी गाइडेड बाय दैट रूल एंड हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा हैव टू बी केप्ट दैट हैज टू बी मेंशन ओवर हियर क्लॉज 15 व्हेन वी से इन क्लॉज 11 दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑफ सीरियल नंबर 8 दैट इज जीपीयू देन इट सेज दैट क्लॉज 15 हैज टू बी फिल्ड अप एंड हियर इफ वी फिल अप दिस क्लॉज देन consequences can follow. So we have to be very, very careful in this regard. Then clause 17 is for business undertaking. It has nothing much over here because very, very few institutions are covered into under this. Clause 18 again incidental to business. अगर हमारे कोई खर्चे हैं, clause 19 is important, members, because it says the receipts of The ODS has been deducted under Section 194C, J, H, and Q. Then it has to be mentioned over here. Why this form requires from us as auditors to certify these figures is because 194C is in regard to contracts. So, charitable institution के पास अगर contract से कोई income आ रही है और TDS कटा हुआ है then definitely we have to report and then they would see that whether it is a business undertaking it is a business it is GPU what it is 194J again professional or technical services professional तो मुश्किल ही होगा but technical or management services हो सकती हैं then again GPU can be attracted 194H and 194Q क्यू अगेन गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेल गुड्स गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दीज फोर क्लॉजेस एंड ओनली इफ 26AS फॉर्म 26AS में इन फोर क्लॉजेस में टीडीएस कटा है देन इट इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड ओवर हियर मेंबर्स वुड सी दैट सेक्शन 194A जो जनरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अट्रैक्ट होता है बिकॉज इंटरेस्ट मिलता है उनको FDRs पे डिपॉजिट्स पे इफ TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194A देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड ओवर हियर सो प्लीज मेंबर्स शुड सी दैट 194C JHQ ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड ओवर हियर देन अनदर सेक्शन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज क्लॉज 22 व्हिच सेज दैट टोटल सम ऑफ डोनेशंस रिपोर्टेड इन फॉर्म 10BD Even with my experience of this year, I have seen that many institutions and even professionals have failed to fill Form 10BD within the statutory time of 31st of May. Last year, if members would recall that date was extended, but it has not been extended this year. And if donations have been received by a charitable institution, then Form 10BD should have been filed. And when Form 10BD was filed, the information would have been under these clauses. And we, as chartered accountant or auditors of the institution, have to extract the information from Form 10BD, which has been filed, and the donation which the assessee is showing in its income expenditure account. The total amount of donation which we are showing in our income expenditure account, it has to be sub-bifurcated under clause 22. So it is an exhaustive clause. Would request the members to kindly fill it very, very carefully because any misreporting in this clause can lead to
your assessees, your auditees' income becoming taxable and self-adjustments being made in form in the intimation under Section 143(1)(a). So please try to fill this clause very, very diligently and very, very carefully. Then we have the clause for voluntary donations, foreign contributions, no problems. We have 26, corpus donation, ye aa jata hai. Then we have the clause of clause number 31. Friends, whenever this clause is to be filled up, this is bifurcated into the objects of the institution. So we have to be careful in this regard that the bifurcation of the application of income has to be correctly filled up. Again, reference here to clause 11. वहां हमने क्या ऑब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, और ऐसा ना हो कि वहां हमने एजुकेशन डाला हुआ है और यहां आप अमाउंट यूटिलाइज या अमाउंट अप्लाइड रिलीफ ऑफ पुअर में डाल दें. दैट वुड बी अ मिसमैच. And definitely some adjustments can take place as per my gut feeling, because last year जो डिपार्टमेंट सीपीसी के पास यूटिलिटी थी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रिटर्न्स इन ITR 7, इफ मेंबर्स वुड रिकॉल, ITR 1, 2, 5 एंड 6, उनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई. आपने रिटर्न फाइल किया और वो प्रोसेस हो गया. 6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, थोड़ा सा टाइम गैप रहा था, बट ITR 7 की प्रोसेसिंग तो स्टार्टेड समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च. सो दे ट्राइड टू मेक द यूटिलिटीज फॉर सीपीसी प्रोसेसिंग इन दिस मैनर दैट ऑल डेटा वर कैप्चर्ड प्रॉपरली, बट आई थिंक लास्ट ईयर द डिपार्टमेंट मिस्ड आउट ऑन सर्टेन पॉइंट्स. बट यस, दिस ईयर एज वी हैव बिकम इंटेलिजेंट, the department would definitely have become much more intelligent than us, and with the use of AI as we all are seeing in our lives everywhere, department will take action and a lot of adjustments would take place this year while processing ITS 7. So application of income is to be correctly filled up, and object wise it is asking you the bifurcation between electronic payment and non-electronic payment. So this is to be carefully filled by the auditor specifically. Then in clause 31 sub 2, it asks us if the payment in the application of income has been exceeding 50 lakh rupees to any person. Why they are asking this clause is just to have the information that where the auditee has made payments to some persons above 50 lakh of rupees. So they would try to, I think, scrutinize if your case comes into scrutiny, only those payments, bigger payments, just to see ki koi direct या indirect benefit आपने 13(3) के persons को इनके through तो नहीं दे दिया. To my mind, that is a very important consideration which is there in the minds of the lawmaker. Last year, I had a occasion to interact with the Chief Commissioner of Income Tax Exemptions, because Chief Commissioner of Income Tax Exemption is only one post, which is there at Delhi. And in our interaction, we had stated to her for these clauses and where in some amendments are required or which are unnecessary. And they were very particular that yes, these clauses have been well and very well drafted and carved out, so that the department has all the information. The feedback was that during the course of scrutiny assessments, the feedback which the department got from the field formation was that during the course of scrutiny assessments, the officer was not having much information about the auditee, and especially in faceless. So that is why this form 10B was carved out in this manner, that lot of information and effective information is in the hands of the assessee, is in the hands of the department, sorry, so that they can properly scrutinize. And when we have filed this information,
तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट्स वी कैन नॉट हाइड दोस इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज. देन क्लॉज थ्री, सब क्लॉज थ्री इज देयर, अमाउंट विच वॉज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. So if any amount has been included in the above clause 1 and it has not been actually paid, then it has to be reduced from here. Amount actually, sub clause 4 is amount actually paid during the previous year, which accrued during earlier previous year, but not claimed as application of income in earlier previous years. So this states that opening liabilities, whichever were there, and which have now been paid, that amount should be reflected over here in sub clause 4 of clause 31. So after doing this plus minus, we'll have the amount of application which the auditee has applied during the course of the audit, and that has to be reported over here. And then this figure of 31, clause number 31.5, is to be bifurcated into revenue and capital expenditure. Friends, meaning thereby that agar kisi institution ne koi building banayi hai aur wo capitalize kiya hai kharcha aapne, and wo clause 31.1 mein aapne usko application dikha diya towards maybe a school ki agar baat karein, towards education, then that capital expenditure and revenue is bifurcated in clause, sub-clause 6 of clause 31, as is stated over here. Then clause, sub-clause 7 and 8 are in regard to, as we all know, amount invested in corpus. Corpus ka paisa agar aapne utilize kar liya hai, then you can utilize it, but then that would not be treated as application. And agar aapne usko deposit or investment kar diya hai, then it would be allowed as a deduction or as an application of income. That is why the form is asking the auditor to fill in this figure correctly. Then we have subclause 8, which is in regard to repayment of loan or borrowings. Agar koi loan borrowings hai, wo aapko yahan dikhana hai. Typical examples here would be cases where, say, if car loan has been taken, you have to see that kitna amount liya hai, kiske se asset kharida gaya hai, and how it has been utilized. I think Dr. Girish Ahuja saab is there. So on behalf of Voice of CAs, I would welcome you, sir. Concerned entity. Amount to be disallowed from application. These clauses, sub clauses 9 onwards are there. In ab aap ye cheez dekhenge that for all these clauses, schedules are there. So apart from form 10B being in 49 clauses, many schedules are required to be filled up. And we as auditor have to be very, very careful when we fill up these schedules and are doing these things. So amount disallowable, clause 40AIA, jo maine shuru mein discuss kiya tha, clause 40A3, which I have discussed. So these, if they are there, then the amount of disallowances have to take place. Disallowances or other non-application has to be treated as non-application of income. Agar fund have been diverted or given to another institution towards corpus donation, agar aapne corpus donation diya hua hai kisi aur institution ko, so that is not to be treated as application of income. And donation given not having similar objects, then also it is not to be treated as application of income. Donation given whereby to any other funds, trust, institution, usko bhi humko nahi karna hai. Other than जो 11-12 में रजिस्टर्ड है या 1023C में है, एप्लीकेशन आउट ऑफ इंडिया, मतलब दीज आर दी कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स विच वी एज ऑडिटर हैव टू बी केयरफुली फिल्ड अप. दैट इज वाई इनिशियली आई स्टेटेड दैट बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म वी शुड हैव द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन आवर हैंड्स ऑफ द ऑडिटी, वेर इन द डिफरेंट
additions and subtractions have been done, then only we would be able to fill this form correctly and sincerely. Then the taxable income has been worked out over here by the in this form, and then the special rates of taxes, if they are there, as we all know that for taxable income, if it has not been followed and if it has not been filled up properly, then special rate of tax under section 115 BBI is applicable, and that has to be dealt with over here in these clauses. So the application of income was the important clause. Now going forward, other incomes, if they are there, have to be filled up in clause number 35. Clause 36 is in regard to transfer of capital assets, whereby deductions or their treatment under section 11(1)(a) has to be done. So if there is a transfer of property, then how that transfer has been taken and how you are treating as application of income. If we are buying a new asset, then the computational part has to come in clause 36. This they are trying to get it certified from the chartered accountant who is doing the audit. Application of income again is then bifurcated. Agar hamara application of income ho raha hai, to wo kis kis clauses se hua hai? As the members would remember that section 11(2) ke andar, if the application is there, then wo agar humne last year ka amount is saal kharch kiye hain, then also they have to be shown over here. Agar humne corpus se fund kuch kharch kar diya hai, then it has to be shown over here. Basically, this would be required to be filled up when we make the computational part. Hamare paas income aa jati hai and the application of income, and if there is any difference, the application is higher, then basically this clause is to be filled up. Then clause 38 would come up, where in clause 37, again, if any payment exceeding 50 lakh rupees has been made, it has to be shown over here. So the purpose of the department in getting this form filled up by the chartered accountants and get the audit done is basically to compute the income for the assessee and to have all the information with the department before any scrutiny takes place. And it is, and since it is in electronical form, that is why we cannot temper it or change this information at any point of time. Section 80G, subsection 5, religious in nature, if their entity is there, then they are asking the percentage. Why? Because 80G ka benefit would then not flow to the donors who have made the contribution, and if the religious expenditure is more than 5% over here. So I would say, members, that this form has been very nicely drafted by the board, but while drafting it, lot of information has been asked for, which may at times be necessary or may at times be not necessary. So that is why it is a cumbersome form which has been made by the department. Clause 42, I think it is very, very important for us as the auditors to understand each and every clause over here. And if we understand this and make it applicable and make the auditee understand these clauses, then I think we have no problems in doing the audit of the institution. Because if any infringement in these clauses takes place, then the amount of infringement would be treated as taxable. And now penal action under section 271AA something is there, which states that if the specified amount is there, then the penalty would be equivalent to that. Second year of default, twice the amount, and so on, so forth. So you have to be very, very particular. कहीं ऐसा ना हो कि we try to fill in these forms inadvertently, कोई गलत amount in forms में चला जाए. Because where it states to us, details of transaction referred to in 13(2). One example I'll take, sub clause C, it says, whether any amount is paid by way of salary allowance or otherwise during the previous year to any specified person out of the resources of the trust or institution for services rendered by that person to such auditee
एंड द अमाउंट सो पेड इज इन एक्सेस ऑफ वॉट मे बी रीजनेबली पेड फॉर सच सर्विसेज. नाउ हेयर एज एन ऑडिटर, इफ वी फिल अप सम अमाउंट इन द शेड्यूल एसपीसी, देन द डिपार्टमेंट विल से दैट दिस अमाउंट इज इन एक्सेस सिंस द ऑडिटर्स हैव सर्टिफाइड दिस अमाउंट. I'll quickly show you from schedule SPC. These Nothing to be filled here if there is no disallowance. Pardon, sir? मैं कह सर नथिंग टू बी फिल्ड हेयर इफ देयर इज नो डिसअलाउंस. Absolutely. Because ये देखेंगे आप शेड्यूल SPC है, SP स्पेसिफाइड पर्सन, उसका सब क्लॉज सी, डिटेल ऑफ सैलरी अलाउंसेस और अदरवाइज विच इज पेड टू स्पेसिफाइड पर्सन आउट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑडिटी रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नेम ऑफ द पर्सन आप कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, नेचर ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, डिटेल ऑफ पेमेंट मेड, अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट फॉर सर्विसेज, अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड नेचर ऑफ पेमेंट. तो यहां अगर अमाउंट रीजनेबल नहीं है देन इट हैज टू बी फिल्ड अप, अदर अदरवाइज ऑटोमेटिकली दिस वुड लीड टू डिसअलाउंसेज एंड यू वुड बी, योर क्लाइंट वुड बी एट अ प्रॉब्लम. बिकॉज अगेन वी सी दिस क्लॉज विच इट पर्टिकुलरली स्टेट्स, क्लॉज सी, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट सो पेड इज इन एक्सेस ऑफ वॉट मे बी रीजनेबली पेड फॉर सच सर्विसेज. इफ येस देन वी हैव टू फिल दिस फॉर्म, दिस शेड्यूल एसपीसी. इफ नो देन देर इज नो रीजन टू फिल दैट शेड्यूल एसपीसी. बिकॉज आई थिंक अगेन देर इज अ ड्राफ्टिंग एरर ओवर हियर. उसके अंदर वो अमाउंट पेड और अमाउंट नॉट रीजनेबल उसको बाइफर्केट नहीं करता, उसको सिंपल बाइफर्केट कर देता कि क्या अमाउंट पे किया है आपने, क्या अनरीजनेबल है. सो इफ वी से इट ओवर हियर, यस सम अमाउंट हैज बीन एक्सेस पेड एंड वी फिल अप दैट फॉर्म, दैट वुड लीड टू डिसअलाउंस ऑफ दिस अमाउंट एज नॉट एज अमाउंट पेड टू स्पेसिफाइड पर्सन विच इज अनरीजनेबल इन द आईज ऑफ द ऑडिटर. You एंड are absolutely right, sir. Here it should be like that. Amount paid to specified person. Then second column should be there. Amount unreasonably paid. Yes, but That, sir, हाँ we are governed by the form first, हाँ and form में it is asking कि amount अगर unreasonable है तभी तभी भरना, आपको schedule SPC भरना है. अदरवाइज नहीं भरना. I made it important over here to clarify to the members कि यहाँ क्या भरा हुआ है, because last year काफी audit reports में हमने ये देखा कि कहीं कहीं उन्होंने उस schedule SPC को भर दिया था. दो द अमाउंट पेड इन द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर वर रीजनेबल. इसके अंदर लास्ट ईयर अश्विनी जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, तो वी कैन पुट अ डिस्क्लेमर बिकॉज वी आर नॉट द असेसिंग अथॉरिटी, असेसिंग ऑफिसर, एंड आई थिंक सर वुड बी, सर इज हेयर, वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सर एक्सपीरियंस एंड हिज इंटरेक्शन एज टू वाई एंड हाउ we as auditors can fill this form or can say that certain amounts were unreasonable. So I think to my mind, we cannot state it simply. So I think sir would like to clarify it when he deliberates on this issue. And that is how clauses A to H have to be filled up. At times, if any advances are paid, because in some certain cases, we see that advances have been paid to specified person or to their institutions, then those clauses which would be covered under clause A and B. So members, I would again retort the members that when detail of 13 they this clause. Clause 43 is for the specified violation. And as the members know that if there is specified violation of in clause 12AB4, then the registration granted under section 12A can be cancelled by the commissioner. So if we as auditor are reporting certain amounts over here as specified violation, then I think we are giving to the department some information on a platter which they would use it against the assessee and
treated as specified violation. So if we have filled up this column wrongly or inadvertently it has been filled up, it would create a lot of problem for the assessee and for us also in that regard. Then clause 49, then as the loans which we have taken as tax audit report mein jo hum lete hain, 216 SS, 216 ST or 216 T ka schedule fill up karne hai, which I think we have been doing for last 25, 30 years, which easily can be done. And another clause is there, clause 49, tax audit report ka jo clause 34 hota hai, it is similar to that clause 49 is similar to that clause 34 in the tax audit report. So that can also be filled up easily. ये बाकी सारा corpus donation के ऊपर है. This clause again is very very important. Corpus donation का जो donation आया है आपके पास, उसके बारे में आपको लिखना है, because it states that now the corpus donation can be kept only in a corpus, in a specific corpus fund account. Then foreign contribution etc is there, and I think this sums up the form 10B which is there and which was allocated for us, for me to deliberate. This schedule also is important, schedule AC. This is for the accumulation of income which has been done. Here we have to, these are the vertical columns, column number 1 to column number 16, which section 11.2 is to be is invoked, where 85% amount has not been spent by the auditee. Then we as auditor have to fill up this form. And one important thing I would like to remind the members, that now the period for 5 years and the taxability coming into sixth year was there. Now it has been changed and the taxability would come now in the fifth year itself. So please be very careful while filling this schedule AC also. I think with this, I've tried to complete the form which was allocated to me in form 10B. If queries of the members would be there. सर जो दो चार क्वेरीज क्यूए में आई हैं तो वो ले लेते हैं, फिर गुरुजी के साथ शुरू करके ना फिर लास्ट में ले लेंगे क्वेरीज। ठीक है, बिकॉज़ जी भी बारे में क्वेरी है। हाँ जी, यस सर, बारे में क्वेरी है। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी, अशोक पत्रा जी भी आ गए हैं, नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी रामन सर जी, जल्दी पूछिए, फिर दूसरी क्वेरीज पूछनी है सर। थर्ड AD और AC के लिए एप्लीकेबल है टर्म दीदी। पार्डन सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। वो अभी 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 होल्ड कीजिए, गुरुजी उसका रिप्लाई देंगे, 3AD और AD के लिए भी है कि नहीं है। बिल्कुल आवाज नहीं, क्या दे रहे हैं सर? सर इन कॉलम नंबर 10 अमित अमरजीत कंबोज जी की है। कंबोज साहब आप पैनलिस्ट में नहीं आए सर। इन कॉलम नंबर 10 ऑफ मेंबर्स कैन दी डिटेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्निंग मेंबर्स instead of all members in large number? Sir, governing members ki hi details jaani hai. Form 10 ka jo column number 10 hai, it specifically says that governing members, because sare members kahunge to wo to general house ke members hote hain. Iska specifically pooch raha hai detail of the author, founder, settler, trustee, members of the society, members of the governing council, shareholders etc. So members of the governing council pooch raha hai, it should be restricted to the 13-3 persons only, I suppose. Sir, theek hai. To ek aur hai sir, can we file form 10BD for the last year donation? Yes sir, it can be filed up. Penalty hai uske andar, penalty aapko pay karni padegi, shayad 200 rupees per day ki penalty hai uske andar. Sir, here is a redefined version. If the auditee has received voluntarily donation but has not issued a TG receipt, is there still a requirement to file form 10BD? Sir, ATBD ki receipts usne show nahi kiya, form 10BD se to ho hi jata hai, because last year it stated that form 10BD has to be filed and then form 10BE would be coming to the assessee trust, and that form 10BE will be given to the person who has made the donation so that they can claim it in their return of income. So 10 ATG की उन्होंने रिसीट दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। 10BE का पर्पस था कि यूनिक नंबर वुड बी गिवन ओवर देयर एंड दैट यूनिक नंबर मे बी पॉपुलेटेड इन द रिटर्न
बट वो अभी तक आया नहीं है, तो 10G की उससे काम चल सकता है। सर हुकुमिंदर शाही जी का क्वेश्चन है, इफ दी ओडीटी हैज पार्क्ड सम फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स मेंबर एंड वी रिपोर्ट दिस, व्हाट वुड बी दी पोटेंशियल इम्प्लीकेशन? सर इसके अंदर तो अगर अगर उसका अमाउंट स्पेंट अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड है, 11(5) में उसको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, बिकॉज 11(5) स्टेट्स विद दैट 11(2) में जो भी आपको सरप्लस बचा हुआ था वो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और वो अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है देन आपको 11(2) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट वुड बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ऑडिटी अगर 11(5) में स्पेसिफाइड है वो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। अमरजीत कंबोजी का है, सर आई हैव अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज 41 ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। सर क्वेश्चन नहीं लिखा कंबोज साहब, आप पूछ लेना इधर आके। एक और क्वेश्चन है लास्ट सर, इन सर्टन केसेस ट्रस्ट हैव टू पे सर्टन अमाउंट एज मेंबरशिप फीस टू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डज दैट मीन्स सर्टन इनकम पर अप्लाइड आउटसाइड इंडिया एंड बी डिसअलाउड? सर अच्छा सवाल है कि जो आपने फॉरेन के अंदर इनकम पे करी है, अब वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम विद इन इंडिया मानना है कि आउटसाइड इंडिया मानना है? आई थिंक वी हैव दी प्रिविलेज ऑफ हियरिंग गिरीश आहूजा सर ऑन दिस रिगार्ड कि सर जो मेंबरशिप फीस वगैरह या कुछ पेमेंट छोटा मोटा उन्होंने आउट ऑफ इंडिया किया हुआ है उसका अरे वो क्या? यूज तो इंडिया में हो रही है ना, फैसिलिटी एप्लीकेशन तो इंडिया के लिए है ना, यस यू आर नॉट सिर्फ यूजिंग इट आउटसाइड इंडिया, यू आर मेकिंग ए पेमेंट टू आउट। कल तो आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं या कोई चीज परचेज कर रहे हैं लेकिन पैसा बाहर गया है, लेकिन यूज तो इंडिया में किया है। द यस पर्पज में भी इज 10B के 10BB, दैट इज अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज अलाउड है, ऐसा कोई नहीं है। ये नहीं है कि ये कोई अलाउड नहीं है, यू हैव टू इम्पोर्ट द थिंग, यू हैव टू डू मेनी थिंग्स, और उसके लिए आपने बुक्स खरीदी बाहर से खरीदी, तो एप्लीकेशन तो है ही है, बट दैट एसेट हैज टू बी यूज्ड इन इंडिया, तो उसमें तो कोई एब्सोल्युट दिक्कत नहीं है। वो तो यस है जब एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया हो, टू बी यूज्ड आउटसाइड इंडिया, वो तो 11, उसमें तो 11 मंथ ही लग जाता है। वन लेकर एब्सोल्युटली। आई थिंक तो विद दिस आई ट्राई टू कंप्लीट माई डेलिब्रेशन इन दी अलॉटेड टाइम पीरियड एंड बिल्कुल नाउ आई हैव दी प्रिविलेज ऑफ सर टू हियर हिज कमेंट्स एंड स्पेशली ऑन दिस पायस डे ऑफ टीचर्स सुरेंद्र डे। जी, आपको भी बीच में रहना पड़ेगा, कोई भी चीज होगी आप भी बीच में कई बार इंटरफियर करेंगे, क्योंकि फॉर्म आपको आता है, मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, नहीं, आई एम देयर आई एम हमने देयर पूरा का पूरा सेक्शन उस पे उतार दिया है फॉर्म में, सर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो फॉर्म में नहीं है। व्हाट एवर एब्सोल्युट इज अवेलेबल इन 10(23C) 11(12)(13), एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट इनटू फॉर्म, जिसने फॉर्म भर दिया उसको सारा लॉ आ गया, ये एब्सोल्युटली बात सर, है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर दीपिंदर जी, आपने बहुत अच्छी तरह फॉर्म को समझाया। मैं अब नेहा जुड़ी हुई है हमारे साथ, मेरा नेहा शायद, हाँ जी ऋषभ जी, सलिल जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ वी आर इन द पार्ट टू ऑफ द प्रोग्राम, गुरु जी फर्स्ट पार्ट नमस्कार, नमस्कार था। जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार जनन वंदना जी, गुरु आपको ओ आज इंटरव्यू के सलिल लिए जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। है ये ऐसे बत्रा जी, चरण वंदना जी, बत्रा जी दी नमस्कार, जय हिंद जय हो। और ये हमारा सेकंड पार्ट टू है, इसमें हमने दो प्रोग्राम रखे हैं। फर्स्ट जो हम टीचर डे पे गुरुओं के आशीर्वाद के साथ, टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा जी और जीएसटी गुरु हमारे अशोक बत्रा जी, जब से हम सीए बने हैं, इवन दो बिफोर बिकमिंग सीए वी आर लर्निंग फ्रॉम बोथ द गुरुज कि कैसे हमने लाइफ में आगे बढ़ना है और यहाँ बढ़ पाए हैं, यहाँ तक आ पाए हैं। तो आज टीचर डे पे दोनों गुरुओं को और जितने भी हमारे गुरु रहे हैं और सबको मेरी चरण वंदना प्रणाम। आज हमने इसलिए प्रोग्राम रखा है कि आज गुरुओं के आशीर्वाद से जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की और 10B की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी बड़ी दिक्कतें रह जाती हैं। 10B में फर्स्ट पार्ट हमने किया 10B के ऊपर, और चैरिटेबल का सेकेंड पार्ट है जो क्वेरीज आती हैं कि जी 5 करोड़ से कम पे 10B जाना है नहीं जाना, 1023C में जाना है, 12A में जाना है नहीं जाना है, देन ITR 7 जानी है नहीं जानी, कॉलेज में जानी है, स्कूलों में जानी है नहीं जानी, 85% यूटिलाइजेशन 5 करोड़ से कम वालों को करनी है नहीं करनी, जहां और बहुत सी क्वेश्चंस हैं आपके। जनरल क्वेश्चन तो गुरुजी डेलिब्रेट कर देंगे, ब्लेसिंग्स भी देंगे, और उसके बाद
अशोक बत्रा जी का ओवरव्यू जो हमारी चेंजेस रिसेंटली हुई हैं और उसमें से इंप्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई। कल मैं किसी के पास बैठा था तो वो जो 16-4 का शायद मेरे ख्याल में बत्रा जी से मैं पूछ रहा था कि वो ये इंप्लीमेंट हो गया या नहीं हुआ, जो 5-6 की क्लोजेज आई हैं, मतलब कुछ ऐसी जो रिसेंट चेंजेस हुई हैं, तो वो अशोक बत्रा सर भी हमें बताएंगे अबाउट दी जीएसटी। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए नेहा को बोलूंगा कि वो 2 मिनट में गुरुजी को चरण वंदना और इंट्रोड्यूस करें ताकि गुरुजी अपना प्रोग्राम शुरू करें। बेटियों से क्यों करवाते हो यार? सर गुरुजी को मैं इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकती हूँ, गुरुजी को मैं बस ये बोल सकती हूँ थैंक यू सो मच एंड वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आप और बत्रा सर आज हमें ज्वाइन करें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ये फिर से प्रोग्राम कर पाए। सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्ते एंड सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम और नमन कि आज उन्होंने समय निकाल के हम सबको, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ब्लेसिंग देने के लिए फिर से वॉइस ऑफ सीए के प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए सर, कर्ता जी बोले हम। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। सबको मेरा नमस्कार और सबको आशीर्वाद भी देते हैं क्योंकि तो जो आपका लव एंड अफेक्शन हमें मिलता है वो तो बत्रा जी भी कहेंगे, वो शायद इसके बारे में कोई कह नहीं सकता क्योंकि तो इतना लव एंड अफेक्शन हमें मिला और आज हम जो हैं आपके लव एंड अफेक्शन की वजह से ही। वो कहते हैं ना, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत सर्वप्रिय है और हम इसको हमेशा याद रखते हैं। मैं ये चीज आपको बता, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया, नेहा तो संजय अग्रवाल है लेकिन ऋषभ ने सिर्फ ऋषभ अग्रवाल लिखा हुआ है, ये क्या मतलब? नेहा में लिखा नेहा संजय अग्रवाल लेकिन ऋषभ ने लिखा ऋषभ अग्रवाल। ये बेटे भी आजकल समझते नहीं है ये क्यों है, ये वाली बात मेरे समझ में नहीं आई है। चलिए, एक मजाक करने की बात थी, चल कर दिया मैंने क्योंकि हमारे संजय जी भी होंगे लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रहे, वो बात अलग है। तो मैं ये आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्यार है हमारे साथ, दत्रा जी भी अपना देंगे धन्यवाद और मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका कि आप हमें याद कर लेते हैं और पर्टिकुलरली 5 सितंबर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा सेंटिमेंटल हम हो जाते हैं। मेरे ख्याल कम से कम दत्रा जी आपके पास भी, मेरे पास 2000 व्हाट्सएप आ चुके हैं हैप्पी वो टीचर डे ये, और कई फोन आ चुके हैं तो हमें तो यही खुशी होती है। हमने भगवान ने बहुत कुछ दिया लेकिन आप लोगों का जो प्यार दिया, आप लोगों का जो ये आशीर्वाद दिया, आपकी प्रेयर ही हमें काम करती है और हमें ले जा रही है। उम्र होने के बाद भी भगवान की देन। चलिए ये तो बात हो गई, अब जो भी सवाल पूछना है ना सर, अब सवाल की तरह लीजिए, मैं जवाब देता रहता कोई भी सवाल होगा। अभी तो मेरे पास कई और भी लोग हैं, मैंने उनका नाम नहीं लिया, अरे नाम तो लेना चाहिए, सिर्फ मैंने नेहा और उसका ऋषभ का भी ले लिया। सलील जी मेरे सामने हैं, गौरव गुप्ता जी मेरे सामने हैं, अब कंबोज जी भी अब आ गए मेरे सामने, दीपक जी भी मेरे सामने हैं, आपके सामने प्रोटोकॉल रजेश अग्रवाल जी भी आ गए, राकेश अग्रवाल जी राकेश है, वरिंदर बिरमल गुप्ता जी भी हैं अमृतसर से, प्रहलाद जी भी हैं आपके सामने और भी होंगे, और मेरे सामने दीपेंद्र जी तो है ही हैं क्योंकि सारा लेक्चर तो मैं सुन नहीं सका, आखिर के थोड़ा टाइम जो मुझे मिला मैंने उसको सुना, और विनमर जी भी सामने आ गए हैं, और सबको मेरा सबको नमस्कार है, और जो मेरे से छोटे हैं सबको आशीर्वाद है, और जो मेरे से बड़े हैं सबको मेरा प्रणाम है। प्रणाम तो हम छोटों को भी कर सकते हैं, वो तो लॉ बन चुका है, हमें स्वामी जी ने सिखाया प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आप छोटों को प्रणाम नहीं कर सकते, प्रणाम का मतलब वही है जो नमस्ते का मतलब है। तो मैं भी सबको प्रणाम करके अब शुरू हो रहा। पीयूष जी भी आ गए सामने, पीयूष बंसल जी भी, अब फोटो नजर आई तो मैंने पीयूष बंसल जी को भी रिकॉग्नाइज कर दिया है, और सलील गुप्ता जी अब जरा फोटो के बाहर हो गए। तो चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछिए सर। प्रणाम प्रणाम सबको। सर क्वेश्चन गुरलीन जी, हाँ जी गुरलीन जी, अच्छा इधर ही रह गए हैं गुरलीन जी, क्वेश्चन सर आप पूछ सकते हैं, जैसे मेंबरों के क्वेश्चन आते रहते हैं सर। मेन तो यही क्वेश्चन आता है कि 5 करोड़ से कम वाले जो है 1023(c)(3)(ad) और AE में रजिस्टर्ड है तो उनके लिए यूटिलाइजेशन 85% की करने की जरूरत नहीं है? ना तो उसमें कोई यूटिलाइजेशन की बात है, ना ही उसमें कोई कॉर्पस वाली बात है, कुछ नहीं है। ऑल रिसीट्स शुड बी लेस देन 5 करोड़, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो कॉर्पस हो, चाहे कोई नॉन कॉर्पस हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।
रिसीट शुड बी लेस देन 5 करोड़ और आपको सिर्फ रिटर्न फाइल करनी है, कोई ऑडिट भी नहीं है, 10B भी नहीं है, 10BB भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप 10, 23C, 3IAD और AE में, अगर बाई चांस 11, 12, 13 में है, फिर तो हमेशा ही 10B या 10BB फाइल करनी है। तो इसलिए इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 12A, यू आर नॉट कवर्ड 11, 12, 13, देन इफ यू आर कवर्ड नॉट कवर्ड एट ऑल और अप्रूवल है ही नहीं 5 करोड़ से नीचे, और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ उन्हीं के लिए 5 करोड़ है और वो है तो दे आर सपोज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बट दे हैव नो ऑब्लिगेशन टू स्पेंड 85 और 15 एक्युमुलेट और एनी कॉर्पस और नॉन कॉर्पस, कुछ भी नहीं। ये चीजें सर। कंबोज साहब क्वेश्चन अपना पूछिए सर। कंबोज साहब, हाँ जी कंबोज साहब। पूजा साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन की डिटेल देनी है जी, फॉर्म फॉर फॉर्म 10B में 41 कॉलम में। अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई भी बेनिफिट किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को नहीं दिया तो क्या फिर भी वो कॉलम भरना जरूरी है जी, या उसको स्किप कर सकते हैं? लिस्ट मांगी कि कौन कौन स्पेसिफाइड पर्सन, यही मांगा है जी दीपेंद्र जी? यस सर मांगा है जो इनका क्वेश्चन है ना गुरुजी। फिर आपके पास 13(2) का बेनिफिट दिया कि अगर रीजनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, अनरीजनेबल है तो उसको मना करो। तो आपको मेरे हिसाब से तो फॉर्म की डिटेल तो देनी पड़ेगी, एम आई राइट सर 13(3) वालों की? दीपेंद्र जी गुरुजी मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूं। जे जो कह रहे हैं ना 13(3) की डिटेल, एक तो पहली क्लॉजेस में आती है शायद बिफोर 10-11 क्लोजेस में, उसमें तो देनी है। जो 41 नंबर क्लोज में है ना, उसमें अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की रीजनेबल अनरीजनेबल, तो एक बंदे की भरनी पड़ती है तभी फार्म जाता है वैलिडेट, अदरवाइज नहीं जाता। एब्सोल्युटली राइट सर। डिटेल 41 क्लोज में भरनी पड़ती है। रिलेटिव तो मे बी इन 100 नंबर्स, तो अगर कोई बेनिफिट नहीं दिया उसके रिलेटिव होंगे वहां पर, ये तो बहुत कम चांस है सर। अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए रखा है या अपने रिलेटिव को ट्रस्टी बना रखा है, अपने रिलेटिव को ट्रबो बना रखा है, ऐसा नहीं होगा सर। 100 तो नहीं हो सर। एक ट्रस्ट में रिलेटिव वही स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं ना जी, उनकी डिटेल देनी पड़ेगी अगर कोई बेनिफिट नहीं दिया तो भी। क्यों दीपेंद्र जी, जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में सर। दीपेंद्र जी सर देखिए, क्लॉज 10 में जो इनिशियल क्लॉज है बेसिक इंफॉर्मेशन वाला, वहां पे वो सेक्शन 13(3) में जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है उनकी इंफॉर्मेशन मांगता है कि कौन लोग हैं, तो वहां उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्लॉज 41 में उसने ये बोला कि किन उन स्पेसिफाइड पर्सन को जो आपने क्लॉज 10 में है, उनको अगर कोई अनरीजनेबल अमाउंट दिया हुआ है या एडवांस किया हुआ है और इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, सिक्योरिटी नहीं किया, कहीं इंफ्रिंजमेंट है सेक्शन 13(3) के लोगों का 13(2) में, तो वो आपको क्लॉज 41 में फिल कर रहा है। अब कंबोज जी का प्रश्न ये है कि अगर हमने क्लॉज 10 के अंदर रिलेटिव्स की रिलेटिव को भी लिखना चालू कर दिया, पॉइंट आउट किया, तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यस आई एग्री विद यू। और इसी रिगार्ड में अगर इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर बोर्ड हैड क्लेरिफाइड कि रिलेटिव की क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है हमारे पास और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए रिलेटिव्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ऑडिटी दे रहा है आपको, यू कैन रिलाई ऑन दैट। सो दैट इज व्हाई वी इन दी फॉर्म 10B जो मेन फॉर्म है उसमें डिस्क्लेमर में डालते हैं कि जो रिलेटिव्स ऑडिटी ने आइडेंटिफाई किए हैं हम उन्हीं को रिलेटिव मान रहे हैं, बिकॉज वी हैव नो मैकेनिज्म बाय हाउ वी कैन सी दिस, बिकॉज अनलाइकली इन अ कंपनीज, कंपनी एक्ट में जब हम रिलेटिव्स की डेफिनेशन देते हैं तो वहां पे बोर्ड मीटिंग में एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो डायरेक्टर्स को फिलअप करना पड़ता है। हेयर देयर इज नो स्टैट्यूटरी फॉर्म फॉर द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, फाउंडर्स एक्सेट्रा टू फिलअप स्टैट्यूटरीली समवेयर बिफोर द बोर्ड और द कमेटी। सो जो ऑडिटी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यस मेरे ये एक्स वाई जेड रिलेटिव है, आप उसको लीजिएगा और लिख दीजिएगा, डिस्क्लेमर से काफी काम चल सकता है। यस अगर 41 में आपकी कुछ भी नहीं है ना, अगर 41 में आपका कुछ भी नहीं है देने को, एक बंदे का नाम भरना है बस सिर्फ आपने, अदरवाइज फॉर्म मेरे ख्याल में वैलिडेट नहीं होता।
ये मुझे नहीं पता सर, एक का क्यों अदरवाइज देंगे फिर कॉलम बात क्यों कॉलम नहीं टेन देंगे में नहीं तो नहीं सिर्फ जब अपने हर को उसको उसकी डिटेल डिटेल नहीं नहीं देनी देनी, सिर्फ सिर्फ नाम अपने देना को है, बात। पर्सनर का नाम देना है। सर कॉलम 10 में तो हमने जो रिलेटिव्स हैं उसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है सर, उसमें तो सिर्फ हमने जो ऑथर फाउंडर सेटलर ट्रस्टी मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल डायरेक्टर शेयर होल्डर वही देने हैं जी। तो जी 41 में देना, अगर उनको कोई बेनिफिट दिया तो स्पेसिफाइड पर्सन में उनके रिलेटिव्स भी आ जाएंगे, तो इसका अगर दिया मतलब तो तो देने की जरूरत नहीं, अगर हमने सिर्फ एक मेंबर जैसे आप कह रहे हैं उसका दे के भर दीजिए। नहीं, वो तो हमने प्रेसिडेंट का ही भर देना है ना, नाम ही भरना है ठीक सिंपल, ठीक वो है ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सर, वैलिडेट करने के लिए है, अदरवाइज वैलिडेट ही नहीं करता फॉर्म। जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ये आइडिया नहीं, नहीं गुरुजी सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं डिस्टर्ब वो करिए, मैं तो सीख रहा हूँ। मेरे से कोई सवाल पूछता मैं कहता मुझे रिटर्न भरना नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या है। चलिए हाँ जी सर, कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, निशांत गर्ग जी का हैंड रेज है, निशांत जी पूछिए क्वेश्चन सर। सबसे पहले तो जितने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे गुरु हैं उन सबको प्रणाम। बचपन से लेके आज तक जितने भी मेरे गुरु हुए, चाहे इस समय मेरे को याद है या नहीं, उन सबके चरणों की मैं आज टीचर्स डे के दिन वंदना करता हूँ। इसके असर मेरा एक ये क्वेश्चन है, गवर्नमेंट प्रमोटेड सोसाइटी है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्स रन कर रही है स्किल एनहांस करने के लिए, बट उसने पुराने 12A में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था अपना, और जो उसकी मेमोरेंडम है उसके अंदर उसने जो लिखा है अदर देन एजुकेशनल पर्पस भी है, बट वो काम सिर्फ एजुकेशन का ही कर रही है, बट उसने अब रिन्यूअल अपना नहीं कराया और उसकी टाइम लिमिट निकल गई, और जो उसकी रिसीव्स बनती हैं साल की मुश्किल से 70-80 लाख की ही बनती हैं, तो क्या हम 1023 CAD में उसको कवर करके उसकी रिटर्न्स भरते रहे और 12A की रजिस्ट्रेशन ना भी दें? आपके पास रजिस्ट्रेशन थी पहले? पहले थी जी, अभी तो दिक्कत कर सकते हैं, वो 115 TD भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, दीपेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसको इन ऑपरेटिव कराकर आपको आना है, इन यस सर। ऑपरेटिव तो कराया नहीं इन्होंने। सर इसमें परेशानी आ सको, बिकॉज दे आर सेइंग कि वो एजुकेशनल भी नहीं है, कोई कोर्स रन कर रहे हैं, नहीं बट गवर्नमेंट एजुकेशनल है, वो कह रहे हैं एजुकेशनल अप्रूव्ड है, कोई और कोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ एजुकेशनल कर रहे हैं, स्किल गवर्नमेंट और डेवलपमेंट भी एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, वो कह रहे और ऑब्जेक्टिव लिखे हुए लेकिन करते एजुकेशन नहीं, ये बोला है ना? जी 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 सर, इफ इट इज एजुकेशन देन यस वो ले सकते हैं, बट उनको नए, क्योंकि ये 11-12 के रेजीम में है, दे हैव टू हैव द रजिस्ट्रेशन डन। बट सर वो रिन्यूअल नहीं कराया ना, टाइम लिमिट निकल गई है, इसी जो 12A1AC की 7 कैटेगरीज दी हुई है उसमें से किसी कैटेगरी में बनता ही नहीं है उनका। नहीं सर आपका बनता नहीं था, तो क्या आप 1023C में वापस जाना चाहते हैं कि 11-12 में एग्जम्पशन लेना सर चाहते हैं? 1023C में थे ही नहीं हम कभी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब रजिस्ट्रेशन तो हम ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो कैटेगरीज दी हुई हैं 12A। सर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, यू आर एट द फर्स्ट प्लेस, यू आर सेइंग दैट यू आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यू हैड टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 1023C। बिफोर लास्ट ईयर यू हैड द ऑप्शन, कभी आप 1023C में जाते थे, कभी 11-12 में जाते थे, नहीं बट सर, लास्ट 1023C की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे हमने रजिस्ट्रेशन अब रिन्यूअल नहीं हुई उस सोसाइटी की, और रिन्यूअल का टाइम भी निकल गया जिन्होंने ओल्ड रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, तो मैं कह रहा हूँ कि हम इन फ्यूचर 1023C 3AD को ऑफ कर चलते रहे तो चलेगा हमारा? एब्सोल्यूटली 1023C 3AD को ऑफ कर लीजिएगा, वो चल जाएगा। सर पर मैं रिपेतर जी ये पूछ रहा हूँ, 115 TD सबसेक्शन 3 की जो क्लॉज 3 I डाल दी कि जिसको रिन्यूअल लेना जरूरी था, नहीं लेगा तो 150 TD अट्रैक्ट हो जाएगा, उसका क्या करेंगे ये? सर उस केस के अंदर टू माय अंडरस्टैंडिंग इन्होंने जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल 1/4/21 के बाद लेना था इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने अपने आप को 11-12 से डीरजिस्टर कर लिया एक तरीके नहीं से। डिरजिस्टर किया नहीं ना इन्होंने, इनको तो सर तो लेना जरूरी था। सर लेना जरूरी था, यस यू आर राइट, लेना जरूरी था, बट सर अगर कोई आपने उसको अब 1/4/21 के बाद 11-12 में रजिस्टर नहीं कराता, या कोई फॉर्म तो था ही नहीं ना कि मैं सब 11-12 को छोड़ रहा हूं और मैं 1023C 3AD में जा रहा हूं। सर 115 TD 3 वो जो है ना, आपको ये टाइम दिया गया दोबारा,
कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपने रजिस्टर करा लो, जिसने नहीं किया वो करा लो। अब आपका वाइड ऑप्शन जो है वो इनऑपरेटिव कराने के लिए होती तो वहां जा सकते थे, इनऑपरेटिव तो हमारी हुई नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ी इनऑपरेटिव हो जाएगी। ये पूछ रहा हूं मैं आपको, हाँ, प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है, चाहे निकल जाए तो कोई पता भी नहीं करेगा, तो आप 115 आप 1023C3 IAD में रिटर्न भर देंगे, किसी ने पूछना भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है, ये इश्यू बहुत पुराना चला आ रहा है कि मैं 11-12 में था, मेरे से ऑप्शन पूछी गई आप कहाँ जाना चाहते हैं। ऑप्शन रिन्यूअल के लिए तो है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने रिन्यूअल कराया नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हो गया। और 115TD3 में जब डाला इन्होंने तो वहां पे लिख दिया था कि भैया अगर आप रिन्यूअल करा लीजिए हम दोबारा मौका दे रहे हैं, नहीं तो 115TD लग सकता है। अब yes, ये छोटा इशू है जो मैं फ्लैग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्या होगा मेरे को आप नहीं समझ रहे। मैं तो चाहता हूँ कि आपको 1023C में जाना चाहिए, क्यों नहीं है, लेकिन वहां पर वो अभी दिखाएगा कि ये आपने अपना रिन्यूअल नहीं लिया। और 115TD3 में, एक मिनट देख के बताता हूँ उसमें 3 ID भी है कि नहीं है, वन मिनट। वो TD3 ने ही झगड़ा डाला था और तो कोई बात नहीं थी। जी जी आपके पास भी होता जरा देख लो। सर इन द मीन टाइम 1023C 3 AD में रिटर्न भर सकते हैं हम लोग। सर सरकार वही तो कहना है कि सिंस देयर वाज नो ऑप्शन फॉर यू टू लीव 11L एंड सिंस यू हैव नॉट टेकन 11 एंड 12, तो आपको सेक्शन 115TD में टैक्स पे करना पड़ सकता है। बट यस, इसमें लिखा है 3I में, 3I में लिखा है इट फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ क्लॉज आई और क्लॉज 2I और क्लॉज 3I ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन टू 1023C और सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज इतना ऑफ सेक्शन 12A विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेट क्लॉजेस और सब क्लॉजेस एज द केस मे बी व्हिच एक्सपायर्स इन द सेट प्रीवियस ईयर। आपने उसको रिन्यूअल नहीं लिया, आप पहले उसमें थे 12A। अगर 12A में नहीं होते मैं कुछ नहीं कहता, अब 12A में होने के बाद आपने रिन्यूअल लिया नहीं, और रिन्यूअल लिया नहीं तो कहेगा 115TD3 क्यों ना लगाई जाए, उसकी वजह से उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। अगर आपके पास हो ना 115TD सबसेक्शन 3 का क्लॉज 3I है जी आपके पास देवेंद्र जी? यस सर, आई एम रीडिंग दैट सर। तो इट इज स्पेसिफिकली if it fails to make an application, so since he initially had original application or registration under section 11, registration थी, हाँ, अब registration की renewal तो लेनी चाहिए थी ना, renewal लेनी चाहिए, यही problem आ रही है। practically वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन problem इन्होंने ये डालकर extension दी थी कि भाई तुम भूल गए तो कर लो दोबारा। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आप 6-5 करोड़ से ऊपर थे और बाद में 1-5 करोड़ से नीचे हुए तो भी आपको रिन्यूअल लेनी पड़ेगी। वो कह रहे 5 करोड़ से नीचे वाला तो हमने थोड़ी लिख के दिया कि आप छोड़ दोगे, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा, प्रैक्टिकली तो किसी को कुछ पता नहीं लगना, आप 1023 से अपने रिटर्न डाल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहुत ज्यादा एसेट्स होंगी तो हो सकता है कि वो कहें कि भाई इसमें 115TD लगना था। इतनी समझ है नहीं, मैं बता, मैंने तो 3 को आपको पढ़ा दिया कि वहां एप्लीकेशन देना जरूरी था और इसी वजह से एक्सटेंशन 2 बार की। ये दोबारा भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं हम लोग? हाँ, वो न्यू रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी ना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। हाँ सर, पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सर कौन सी क्लोज में अप्लाई करेंगे? अरे फॉर्म वही पहले है, इंटरवीनिंग पीरियड में जैसे सर ने कहा आपकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी ना 115 TD लगकर, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। मैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि थ्योरी, अगर वो अगर लकीर का फकीर हुआ तो वहां जाए, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, ये बता दिया। क्योंकि आप TD3 पढ़ लो, क्योंकि आपके पास था और आपने रिन्यूअल नहीं लिया तो इनऑपरेटिव का कोई सिस्टम है तो इनऑपरेटिव का अप्लाई करना चाहिए था, ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगा इनऑपरेटिव। सर इसमें 12A1AC की किस क्लोज में रजिस्ट्रेशन के लिए जाए अगर जाना चाहें तो? सर अब तो आपको 12IAC जो AC है, AC के नीचे टाइम दिया हुआ है, प्रोविजनल है कि रिन्यूअल है, उसमें जाना पड़ेगा और उसमें जाओगे तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ।
सर वो इसमें 115 टीडी लगा देंगे, तो चुप करके अगर ये नीचे कच्चो थोड़ा सा काम है 115 उसमें रहो 1023C3 IAD में, अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं है कुछ रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज कोर्स कोर्स है है सर, कोई? गवर्नमेंट का कोर्स है सर फॉर स्किल एनहांस, कौन सा गवर्नमेंट का कोर्स होता है सर? स्किल अपग्रेडेशन कोर्स सर, है स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रन बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसके लिए रिकॉग्नाइज मिलता है वो कोई डिप्लोमा हाँ डिग्री सर्टिफिकेट? हाँ तो सर्टिफिकेट शायद मिलता, मान मान सकते सर्टिफिकेट मिलता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप 3 IAD में चले जाओ यार चुप करके। क्यों जी देवेंद्र जी? यस सर, निशान सर आपको जो सर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, आप दोबारा रिन्यूअल के लिए मत जाइए, बिकॉज उसमें जाएंगे देन इट विल ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। आप 1023C3AD के अंदर अपना एग्जम्पशन क्लेम करते रहिए, 75 लाख 80 लाख की आप रिसीट कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कुछ भी देंगे। नहीं है, एब्सोल्युटली कोई बात नहीं करें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें सर, सतीश गुप्ता जी का। हाँ जी सतीश जी, सर और नमस्ते हाँ जी सर, सर, इसी मैटर में क्वेश्चन था। मेरी एक ट्रस्ट थी, उसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन में, कैंसिल हो गया। ITAT में केस चल रहा था हमारा, तो फॉर द टाइम हमें फॉर्म भरना पड़ा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, बाद में ITAT का ऑर्डर भी आ गया हमारे फेवर में, तो आ तो गया तो मुझे वो आया, फॉर्म पेपर में रजिस्ट्रेशन नहीं आया, वो कहाँ गया? उसको रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट किया होगा कमिश्नर को, अच्छा क्या डायरेक्ट किया कमिश्नर को उस ऑर्डर में? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन करा दो, क्योंकि इसकी आपके पास रजिस्ट्रेशन कोई, कर दो, कहीं लिखते हैं हाँ नहीं इसको दोबारा सेट असाइड किया। एक होता है कि रजिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे दी, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ये रजिस्ट्रेशन कर हाँ दीजिए, डायरेक्ट वही डायरेक्शन वही है कि तो रजिस्ट्रेशन हो कर गई ना दीजिए, डायरेक्शन, हो गई तो रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी। वो होगी। मगर सर मैंने फॉर द टाइम जो नया, जब नई सेक्शन आई, मैंने उसके अंडर भी अप्लाई कर लिया, प्रोविजनल लेके परमानेंट वो भी ले लिया। वो सर वो तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी बैक डेट से ही तो होगी। नहीं सर मेरा हुआ, मैंने रजिस्ट्रेशन ले ली, 18-19 का केस था ये। फिर क्या हुआ, जब नया आया तो मैंने उसके अंडर भी अप्लाई कर लिया, मैंने आपने सर ऑटोमेटिक रूट प्रोविजनल नहीं अप्लाई लिया, किया होगा, प्रोविजनल प्रोविजनल। यस सर प्रोविजनल के बाद रेगुलर भी अप्लाई कर दिया था, तो अप्लाई कर दिया, वो भी आ गई रजिस्ट्रेशन, वो भी आ गई, दोनों आ गई। फिर आ गया तो क्या हो गया? फिर तो ठीक है, मुझे कुछ तो वो तो आपका नहीं अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना, फिर कहीं ना। ऑटोमेटिक रूट वाले बोलते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ तो फिर वो तो पिछले वाला भी वो रजिस्ट्रेशन है और आपके रिन्यूअल हो गए एक प्रकार से, एक प्रकार से अब जो हो चुका है तो नथिंग कैन बी डन। एक चीज बताइए, आपको कहा गया कि आप केस जीत गए, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया था प्रोविजनल, और प्रोविजनल के बाद आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी मिल गई है, तो बिल्कुल आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन चलते जाइए। हाँ ठीक है सर, थैंक जी, यू। हाँ जी मोहित जी, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी सर, माय क्वेरीज के एक हॉस्पिटल का केस है। अब लाइक पहले हम क्या करते थे, 3CB CD भी फाइल करते होते थे उसकी, क्योंकि जो एग्जॉस्टिव फॉर्म नहीं था। अब लाइक 10B इज अ वेरी एग्जॉस्टिव फॉर्म, 3CB CD की किसका सारी कितना डिटेल्स कैसे टर्नओवर कर कितना लेते है? हैं टर्नओवर कितना सर? है? टर्नओवर 6-7 करोड़ है, मोर देन अच्छा फाइव ठीक करोड़ है, है सर, मोर देन 5 करोड़। फिर तो आपका अप्रूवल ली है ना आपने कि नहीं ली? हाँ जी सर, अप्रूवल है, अप्रूवल है हमारे पास, अप्रूवल वी है वर कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन? रजिस्टर्ड एंड 12। अप्रूवल है कि रजिस्ट्रेशन है? मतलब नहीं सर, रजिस्ट्रेशन है सर, 11 में है सर, दो चीज 11 ना में बोलो क्लेम ना, करते हैं, अप्रूवल 12A। आती है 1023C IV में, आईवी हाँ वे में, जी, नहीं और अग्रीड, इधर अग्रीड आती है सर, अग्रीड, 11 रजिस्ट्रेशन, 12 वे में, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन बोलो रजिस्ट्रेशन। ना, हाँ जी सर, रजिस्ट्रेशन है तो फिर आप क्या चाहते हैं? सर। उसमें ये पूछना था मेरे को कि वेदर वी नीड टू फाइल फॉर्म 3CB CD एज वेल, 10B तो फाइल कर ही रहे हैं। 3CD कौन सा होता है जी? टैक्स ऑडिट बिल्कुल वाला सर, सर, टैक्स टैक्स ऑडिट ऑडिट थोड़ी होना है। टैक्स ऑडिट का आप खुद ही कह रहे हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं, व्हाट इज दिस बिजनेस? अरे यस चैरिटी का काम करते थे, बिजनेस कैसे होगा? वो सर, इंसिडेंटल एक्टिविटी मैंने कुछ हो एक्चुअली उसका ऑडिट जीएसटी कराना नंबर जरूरी है कि वो बिजनेस कर रहे हो, अदरवाइज चैरिटी सर, के लिए वो बिजनेस कहां जीएसटी से? वो रजिस्ट्रेशन है, इंसिडेंटल एक्टिविटी है, सेल सेल ऑफ मेडिसिन की होती है बात बस सर, उसमें एक इंसिडेंटल है फार्मेसी की सेल होती है मेडिसिन। ना, सेल ऑफ मेडिसिन हाँ सिर्फ इंसिडेंट उन्हीं को, कस्टमर पेशेंट को है, आउटसाइडर भी लेते हैं, नहीं सर, पेशेंट्स को है मोस्टली, बट सर आउटसाइडर्स को भी मोस्टली नहीं, होती है सर, आउटसाइडर भी ले सकते हैं होती ना। है। उसकी टर्नओवर हाँ जी कितनी सर, है, ले सकते हैं सर, ले उस सकते आइटम की टर्नओवर कितनी है? सर। टर्नओवर ओनली फॉर सर, दैट आइटम, उसकी टर्नओवर थ्री उसके तो करोड़ है सेपरेट बुक्स अकाउंट बनाने ओनली पड़ते फॉर सर। हैं। मेरी मेरी सर 10% है टोटल की, सर अगर टेन 1 करोड़ परसेंट से नीचे है तो 3CD कहां से आ जाएगा? नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि मेरा सर 30 करोड़ की टर्नओवर है टोटल,
30 करोड़ जो वाला? फार्मेसी की सेल है मेरी, डेट 30 करोड़ सर। हाँ जी, सर पहले तो फार्मेसी की बहुत कम सेल बोला सिर्फ था थ्री करोड़ इन्होंने, है जी, 3 करोड़। पहले थ्री 6 करोड़ करोड़ बोला, बोला 30 करोड़ में, तो यही समझ नहीं आ रहा। पहले आपने 3 करोड़ बोला था, अब सर 30 करोड़ मैं कह कह रहा रहे हूँ हो। कि मेरी फार्मेसी, सर आई नीड टू जस्ट क्लैरिफाई, मेरा सर 30 करोड़ की जो सेल अगर है फार्मेसी की वो अगर टोटल टर्नओवर कर सेल रहे हैं है, 1 करोड़ से ऊपर, तो अगर वो कैश वो सर फ्लो थ्री मांगता है करोड़ तो है फिर जी, ऑडिट डेट इज कराना थ्री पड़ेगा। करोड़ मेरे हिसाब से ऑडिट कराना पड़ेगा इंसिडेंटल बेसिस। यस सर, यस सर, आउटसाइड पेशेंट भी है दीपेंद्र जी, ठीक कह रहा हूँ? ओके यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो 11(4) के अंदर उसकी एग्जेम्पशन लीजिएगा, आउटसाइड अरे पेशेंट इलेवन को मांगते हुए, फोर में नहीं, और 11(4A। 4A में, यस सर 4A में लीजिएगा, और उसका टैक्स ऑडिट कराइएगा। पूरे हॉस्पिटल की रिसीट का टैक्स ऑडिट मत कराइएगा, ठीक वो है, कराएंगे तो ठीक देन है यू आर सर, रनिंग अ बिजनेस। और ओनली जैसे दैट सर ने, बिजनेस। उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट रखनी है, उसका ऑडिट कराना है, 11(4A) में उसका डिडक्ट एग्जम्पशन क्लेम करना है, दैट इज द राइट। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट सर, 100% करेक्ट। राइट तभी सर, दीपेंद्र जी ठीक को है साथ सर, में, थैंक यू तभी सर, सर दीपेंद्र जी को साथ में रखा है। चलिए सर, आगे थैंक बढ़िए। यू सर, थैंक यू। हाँ जी, उसके बाद मोहित जी का क्वेश्चन हो गया। कपिल जी, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए जी। कपिल कुमार जी, यस सर, यस हाँ जी, सर, सर हाँ जी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड था, क्योंकि टर्नओवर 3 करोड़ की थी, तो अभी तो 5 करोड़ की लिमिट होगी, तो हमने दोबारा उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो रिक्वायरमेंट तो है नहीं 12A में या 23 यही सी। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम लेके मैं उनके पास गया था कि भैया 1 करोड़ वाले को वो जब 1 करोड़ से बड़े थे तब आपने कराया नहीं था? तब 1023C में करवाया था। हाँ अरे अप्रूवल ली थी ना 4 में 6 में, हाँ दो वही तो हजार मुसीबत हाँ है, 6 में लेकर अब आप छोड़ रहे हो। यही तो मुसीबत चल रही है कि आज 6 में थे और 6 से आपने 5 करोड़ किया, तो 6 से अपने आप 3AD में चले गए। यस सर, यही तो झगड़ा मैं उनसे करके आया कि सर उनकी 5 करोड़ से नीचे हो गई, उन्होंने किया नहीं हाँ है, कहता वंस हाँ अप्रूवल टेकन यू हैव टू टेक द रिन्यूअल, अपने आप नहीं कर सकते। मैंने कहा वो कह रहे मेरी 5 करोड़ से नीचे है और अब मुझे क्या जरूरत है तेरी सीडी की, तो यही उन्होंने सरेंडर का सिस्टम नहीं रखा हुआ। ये बड़ी दिक्कत तो है दीपेंद्र जी, मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, वो सुनता ही कोई नहीं है वहां। यस सर, वेरी राइटली सेड सर, वेरी राइटली सेड, तो इसी इस केस में प्रॉब्लम। हमें 10B फाइल करना पड़ेगा सर, अगर आप 3AD में जा रहे तो 10B किस बात का, और यस अप्रूवल सर, आपके पास है नहीं तो भी 10B किस बात का, अप्रूवल ही हाँ नहीं है तो 10B किस बात का। तो हमें 1023C में रिन्यूअल भी को रिव्यू भी नहीं अरे करवाना। आपने रिन्यूअल अप्लाई नहीं किया सर, यस सर, रिन्यूअल आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल नहीं है तो 10B किस बात का। अगर आप 3AD में जाना चाहते हैं तो फिर 10B किस बात की। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी ठीक, थैंक यू, मुश्किल है साहब चैरिटेबल में, मैं यस आपको सर, बताऊं दीपेंद्र जी, बुरा हाल है और वो समझते नहीं चाहते। अरे सर जब बिल्कुल आदमी ही 5 करोड़ समझ। से नीचे आ गया तो क्या जरूरत है उसको रिन्यूअल, वो तो छोड़ देता, और सिस्टम गुरु जी बताओ कि छह वो और कर दे, वो गुरु जी करोगे छह ना, मेरा तो महीनों लैप्स में, हो गया, मैंने कर दिया, गुरु लेकिन जी कोई छह सुनवाई महीने नहीं। बाद समझा ये दे जो रहे डालर नए है एक्ट 115 में, TD3, इससे मुसीबत बड़ी। सर यस सर, मुश्किल छह नाम है, महीने बाद नए एक्ट में समझा देना, अब नया एक्ट क्या आएगा वो आप जानते हो, मैं तो जानता हूँ। मुश्किल ना हो और तो जी हमारी अपना जरूरत ही क्या है सर फिर, अगर मुश्किल ही ना धीरे हो हमारी जरूरत ही नहीं है फिर। जी, धीरे जी, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। सर सर मेरे को मेरी क्वेरी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की है सर। मैंने ITR 7 भरा था, एक सोसाइटी है वो रन करती है स्कूल, उसकी फीस सिर्फ 45 लाख है। तो उसका सर मेरा ना वहां से प्रपोज अमेंडमेंट आ गई कि जो डिफरेंस था ना सर, रिसीट्स माइनस जो एक्सपेंस किए थे मैंने, पूछ रहे कि रिसीट माइनस जो एग्जम्पशन क्लेम किए 1023C 3AD की, वो कहते हैं उसमें टैक्स पे कराओ। तो मैंने उससे डिसएग्री का जवाब दे दिया था सर कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने फिर अब डिमांड निकाल दिया 11-12 लाख का सर, वो भेज रखा है। मेरे को नहीं क्वेश्चन शुरू में समझ नहीं आया, रिसीट किस चीज की थी? नहीं नहीं गुरु जी, वो टेक्निकल एरर है दीपिंदर जी, मेरे ख्याल में फॉर्म में एरर है, फॉर्म में इनके ना, फॉर्म भरने में। जी नहीं सर, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, कि इन्होंने 1023C में AD के अंदर किया, एक्स अमाउंट अपनी रिसीट्स डाली और उसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम में वाई अमाउंट डाल दिया। हाँ सपोज जी, 50 लाख की इन्होंने रिसीट्स डाली और 40 लाख का वो डाल दिया, एप्लीकेशन हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेशन डाल दी सर तो उन्होंने, उसमें क्या तो फर्क भेज पड़ता है, वहां तो एप्लीकेशन दिया कितनी भी कम हो तो भी फर्क नहीं पड़ता 3AD सर। में। उन्होंने फीस माइनस जो मैंने एग्जम्पशन क्लेम की थी उस पे वो टैक्स लगा दिया उन्होंने।
वो फार्म की यूटिलिटी की एरर है, आपका कॉलम गलत भरा गया होगा कोई जो क्यूमुलेशन वाला। नहीं सर इन्होंने टिक नहीं किया होगा, इन्होंने ऊपर टिक नहीं किया होगा 3 IAD। यस यस टिक किया है सर, सर कहीं ना कहीं आपका एरर है, कहीं ना कहीं आपका एरर है, या तो नेम ऑफ प्रोजेक्ट जो डालते हैं वहां पे नहीं डाला होगा आपने, बिकॉज वो दो तीन जगह फॉर्म के अंदर चीजें पूछता है, कहीं सर आपने डाला है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1816 तो दविंदर जी पर रेक्टिफिकेशन ही करनी चाहिए, आप रेक्टिफिकेशन ही फाइल करनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन फाइल कर दें, और रेक्टिफिकेशन भी अगर इनकी रिजेक्ट हो जाती है तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू फाइल एन अपील, एटलीस्ट वो एरिया ओपन रखें। अगर अपील भी फाइल नहीं करेंगे और 30 दिन का टाइम निकल जाएगा तो फिर आगे अगर और रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ इनका तो इनको प्रॉब्लम आ जाएगी, डिमांड को फिर कैसे अपने छुड़ाएंगे। दोनों 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 ऑप्शन इसका यही सर, है तो रेक्टिफिकेशन डाल दें, अपील भी फाइल करेंगे और वो भी करेंगे। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ मी। बोलिए बोलिए सर। ये इनका इशू ये है, मैं एक बार इनका इशू दोबारा रिपीट करता हूँ, इन्होंने ग्रॉस रिसीट दिखाई अनेक्सर IE4 में, हाँ जी उसमें से एक्सपेंस दिखाया, नेट प्रॉफिट आ गया और एग्जम्पशन क्लेम कर ली नेट प्रॉफिट की, यही हुआ है ना सर? हाँ जी हाँ जी सर यही हुआ है सर। कुछ नहीं करना, रेक्टिफिकेशन फाइल करो वहां पे जहां पे आपने 1023C3AD में एग्जम्पशन क्लेम की है प्रॉफिट की, वहां पे ग्रॉस रिसीट डाल दो और रीजन में रेक्टिफिकेशन में दे दो कि बाय क्लरिकल मिस्टेक ये किया था, बाय मिस्टेक हमारी टोटल ग्रॉस रिसीट ये थी, एक्सपेंसेस ये था, नेट प्रॉफिट ये था, सरप्लस हमने गलती से सरप्लस की एग्जम्पशन क्लेम कर ली, हम ग्रॉस रिसीट की करनी है और डाटा करेक्ट करके रिटर्न रिवाइज फाइल होनी है रेक्टिफिकेशन में, वो ठीक हो जाएगा सर। तो मेरे मतलब केस इसमें जो तीन थे, मेरे जो तीनों केस ठीक हो गए। तो एप्लीकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं थी क्या चीज सर? एप्लीकेशन में टोटल वैल्यू डालनी है, इन्होंने सिर्फ नेट प्रॉफिट डाला होगा। नहीं सर नहीं, एप्लीकेशन में मैंने जो एक्सपेंसेस थे वो सारे डाले थे। अरे वो गलत है ना, ग्रॉस रिसीट डाल, अरे सर वो थोड़ी डालनी थी, आपने 1023C3AD में क्लेम किया है। हाँ उसमें सर मैंने प्रॉफिट डाला था ना, जो एग्जम्पशन पूछ रहा था 1023C3AD। प्रॉफिट नहीं होता इसमें सर, ग्रॉस रिसीट होती है वहां पे। अच्छा सर एग्जम्पशन मतलब आपको आपको 85% 50% कुछ था ही नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट माफ है, आप उसको ले रहे हो एग्जम्पशन एप्लीकेशन इतनी, बाकी मेरी जो अक्यूमुलेशन है वो आ जाए, ऐसा सिस्टम ही नहीं है वहां पर, वो तो उसमें है आपका जो अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड वाले में। सर एक हैंड और रेज है संदीप कुमार जी का, उसके बाद हम बत्रा जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट संदीप जी अपना लास्ट क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी हाँ जी गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी पार्टीज हैं कुछ स्कूल्स कॉलेजेस, वो सैलरी देते हैं जैसे 30,000 सैलरी दी, 3 बार 10-10,000 दे देते हैं, तो महीने में 3 एंट्रीज डाल देते हैं कई बार, क्या ऐसे चल सकता है कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा एक्सपेंस 30,000 है। हाँ जी हाँ जी एक्सपेंस 30,000 है। हाँ जी वो तो कैश में नहीं दे सकते। नहीं बट तीन सर जैसे बाकी एंट्रीज भी तो करते हैं कई बार, जैसे टैक्स ऑडिट में करते हैं। आपने सैलरी सैलरी ड्यू कितनी है? 30 है। आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो? जी नहीं। हाँ जी सर कनाडा है या तो वीकली दे दो, 75-75 वीकली दे दो कनाडा की। अरे वेजेस देनी है जो वीकली दोगे। ये देखो ये हेराफेरी है, ये सिर्फ पैसा बाहर निकालने का तरीका है, बात खत्म। मैं ओपनली बोलूंगा पर्पज ये 10,000 का इसलिए डाला गया था कि आप बोगस खर्चा डाल के निकालो ना। आप बात को समझिए, जब सैलरी 30 है आप एडवांस देते हो तो एडवांस भी तो टूवर्ड सैलरी दे रहे हो। ठीक है आप तो वो नहीं मानेंगे, वो तो चेक से ही जाएगा। 10,000 तक दे दो, बाकी 20,000 तो चेक से ही जाएगा। 10,000 दे तो प्रोविडेंट फंड वाले आ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड का चक्कर बढ़ जाता है। ये देखो सर सुन लीता है वकील सारे, सुनो कोई बात नहीं, ये ना स्कूल ऑफ एमिनेंस है पंजाब में, चिंता ना करो, वो कनाडा वाले स्कूल है एमिनेंस एमिनेंस। वो क्या कर रहे हैं, एक ही आलू का 30 दे रहे हैं लेकिन प्रोविडेंट फंड नहीं देना, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? लॉ तो लॉ है यार। सर वो ये कर रहे हैं कि एक आदमी के नाम से 30 डाल रहे हैं और दे वो 2 या 3 जनों को रहे होंगे, और मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता, इनको पता है ये बताएंगे नहीं। लो जी सर, थैंक यू वेरी मच गुरु जी। अशोक बत्रा सर, सर बत्रा सर मेरा भी एक सवाल है, पूछ लूं? पूछ लो, पूछो पूछो। हाँ जी सर, एक मेरी एक सर्विसमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने पैन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में लिया हुआ है, आर दे एलिजिबल टू टेक द रिड्यूस रेट ऑफ 115 BAD? 115 BAD बेटा एक चीज बताओ, आप एओपी हो या आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन हो, बार रेट तो एक ही है, हाँ जी एक ही रेट है ना, तो वो हाँ जी आपका हाँ जी भगवान बीएडी कहां से हो गया? कॉपरेटिव सोसाइटी है क्या? हाँ जी, कोऑपरेटिव बीएडी एक्स कॉपरेटिव सर्विस सोसाइटी मैन, का है। यस 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 एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आप एक्स सर्विसमैन कॉपरेटिव सोसाइटी में हो और आर्टिफिशियल ज्यूरी, तो पैन ठीक क्यों नहीं कराते? ठीक है, तो 115 BAD लेने से पहले पैन ठीक कराना पड़ेगा ना इनका? हाँ जी, कॉपरेटिव सोसाइटी तो बनाना पड़ेगा ना आपको, तो कोई कॉपरेटिव सोसाइटी मिलेगा एओपीओ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा एओपीओ, कोई कॉपरेटिव सोसाइटी का कोई पैन का वो नहीं है, लेकिन एओपी मिलके आप कॉपरेटिव सोसाइटी डालेंगे, रजिस्टर्ड अंडर कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना। यस हाँ, तो आप जा सकते हैं 115 BAD। ठीक ठीक है, थैंक यू। लो सर बत्रा जी, आई विल रिक्वेस्ट अशोक बत्रा सर। हाँ जी सर काइंडली, हाँ जी सर, आई रिक्वेस्ट अशोक बत्रा सर टू काइंडली डेलिबरेट ऑन जीएसटी टॉपिक। बत्रा सर आ गए, हाँ जी प्रणाम बत्रा सर। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज ए म्यूचुअल अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने ही आपको सिखाया है, मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। वो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट थे, वो एक एग्जांपल दिया करते थे, इफ आई एम हैविंग ए 100 रुपी नोट व्हिच इज स्लाइटली इन अ बैड शेप, यू हैड गॉट ए 100 रुपी नोट, वी एक्सचेंज, देन वी बोथ हैव 100 रुपी नोट, बट वंस I am deliberating on something, I had an idea and you had an idea, we accept idea of each other, then both are richer with one idea. So friends, learning mutual है। मैं एज में कुछ लोगों से बड़ा हूं तो मैं उनकी आशीर्वाद दे सकता हूँ, ब्लेसिंग दे सकता हूँ, बेस्ट विशेज दे सकता हूँ। जो मेरे से बड़े हैं, जैसे सामने बैठे हैं गुरुओं के गुरु, इनका तो क्या कहना है। और जब भी कोई बात होती है, कहते हैं बत्रा जी कब तक काम करोगे, 70 के होने वाले हो। मैं कह 80 वाले काम कर रहे हैं, 70 वालों को क्यों टोक रहे हो? तो ही इज सच ए गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एट द एज ऑफ 81, इफ ही इज सो एक्टिव। कौन 81 है सर? ओ एट नहीं, ज्यादा कर दिया, 79 सर। ओ 78 प्लस हूं मैं भाई, 79 को जा रहे हैं, 79 होने वाले सर। आप में से 11 साल बड़े हो, मैं 67 प्लस हूँ, 68 होने वाला हूँ, आप तो 78 प्लस हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, 81 नहीं, चलो 81 नहीं कहते, 79 कह देते, क्या फर्क पड़ता है? 80-81 में 98% है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। जब हम पैदा हुए थे, मैं एक साल का था, 12 साल के थे, आप मेरे से 12 गुना थे, लेकिन अब तो हम, मैं 68 का हूँ, आप 79 के हो, तो ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए एनीवे, कमिंग टू द जीएसटी इशू, जीएसटी में एक बड़ा डिफरेंट सा फीचर है कि एक्ट इनेक्ट होने के बाद भी वो सेक्शन यूज में नहीं होते हैं जब तक वो नोटिफाई नहीं किए जाते। एक्ट इनेक्ट हो गया लेकिन सेक्शन 16 अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो जो रिलीफ आपको 16.5 और 16.6 में दिए गए बजट में, जो पार्ट ऑफ द एक्ट बन चुके हैं, वो सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हैज टू बी मेड इन एसजीएसटी एक्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज इशू करके ये कहा है कि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, विल ट्राई टू इंप्लीमेंट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। एक एमनेस्टी स्कीम आई है, इन दोनों के ऊपर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूंगा आपके, 128A में, वहां क्योंकि आज ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो इस इश्यू को अलाइव रखना है। अगर मान लीजिए आपका 19-20 का कोई ऑर्डर 73 में हो रहा है, अब 74 के ऑर्डर भी शोकॉज नोटिस आ चुके हैं, इनकी भी एडजुडिकेशन 5 फरवरी 2025 तक सब फाइनल होनी है, तो इस इश्यू को अलाइव रखें, अपील फाइल रखें, क्योंकि तो जब तक अपील अलाइव नहीं होगी, मैटर अलाइव नहीं होगा, तो आपको एमनेस्टी का फायदा नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट्स के अभी आप ऑर्डर देखें पिछले 7 दिन में, तो 3 ऑर्डर ऐसे आ चुके हैं
जहां उन्होंने ये कहा कि 16(5) में रिलीफ मिल चुका है और हमने जहां 3B में क्लेम लिया हुआ है 30 नवंबर 2021 तक, तो आप हमें उनको बेनिफिट देंगे, तो हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया, डिपार्टमेंट को ये कहा कि बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अमेंडमेंट इट हैज टू बी नोटिफाइड, सो काइंडली लुकिंग टू दैट फैक्ट वी आर डिमांडिंग द मैटर बैक इन द लाइट ऑफ दैट नोटिफिकेशन दिस रिलीफ मस्ट बी ग्रांटेड टू द एपिलेंट। आज जितने भी हम सब प्रोफेशनल्स हैं, अभी तक हम जीएसटी में बहुत सारे लोग नए आए थे प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, 73 के नोटिस देख रहे थे जो स्टेट ने इशू किए हैं, अब 74 के नोटिस आ रहे हैं और कोई भी नोटिस 15-20-25 पेज से कम का नहीं है। अब उनको आप पढ़ के जब रिप्लाई देंगे तो पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जीएसटी लॉ की कितनी है, एंड यू विल अप्रिशिएट द काइंड ऑफ नोटिस दे आर इशूइंग, और जितनी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इतना आसान नहीं है उसको काउंटर कर पाना, पर्टिकुलरली फेक इनवॉइस वाला। बट इसके लिए मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा, हर 74 के नोटिस में वो 122 में पेनल्टी लगा रहे हैं, व्हेनेवर देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन 75 सबसेक्शन 13 वेयर इट हैज बीन स्टेटेड इफ द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 और 74, नो पेनल्टी कैन बी लेविड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। 122 की पेनल्टी लग ही नहीं सकती। अब एक शो का नोटिस में और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आया, उन्होंने कहा जी आपने पेनल्टी दी थी 15% बिफोर इश्यूज ऑफ शो कॉज नोटिस, देखिए सेक्शन में कहीं नहीं लिखा, उन्होंने कहा जी पेनल्टी इम्पोज अंडर सेक्शन 74, आइदर आई हैव पेड बिफोर शो कॉज 15%, आफ्टर शो कॉज 25% और 50% एडजुडिकेशन 100% डजंट मैटर। दूसरा, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट का महीना चल रहा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है 26AS को आप अपने इनकम टैक्स के एंगल से तो देखते ही हो, जीएसटी के एंगल से भी देखें, जहां कहीं आपका टैक्स कटा हुआ है उस रिवेन्यू पे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो रिकंसिलिएशन बनाएं, क्यों टैक्स नहीं दे रहे हैं उसके रिकंसिलिएशन बना के तैयार रखें। 26AS has been used by the indirect taxes also, and wherever your turnover is less than what has been reported in the 26AS, irrespective of the fact कि 26AS में डिडक्शन के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, रिकॉर्डिंग और रिवेन्यू डिफरेंट टाइम पे होता है, तो उस 26AS और अपने टर्नओवर में जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है रिकंसिलेशन आप जरूर बना कर रखें। 16(5), 16(6) इज लाइकली टू बी नोटिफाइड और उसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि उसमें तो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। 16(4) की टाइम लिमिट उन्होंने एक्सटेंड कर दी 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए, 4 साल के लिए इफ यू हैव क्लेम दैट क्रेडिट बाय 30 नवंबर। तो टैक्स ऑडिट के बारे में मुझे ये कहना था और ये 74 में बारे में, बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका जीएसटी का तो आई एम सिटिंग हियर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन एक हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का भी दो मिनट बाकी है बस, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, तो वी विल क्लोज बाय डोट टाइम 7 o'clock। अशोक जाजी, हां जी सर, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट बत्रा सर ने बड़ा अच्छा जीएसटी के ऊपर बोला है। एक छोटी सी चीज मेंबर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में वो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी काफी बार भूल जाते हैं, जैसे रेंट वगैरह मिलता है उनको और कैंटीन से रेंट मिलता है, एग्जामिनेशन बहुत सी जगह कराते हैं उसके सेंटर चार्जेस का रेंट मिल जाता है, तो सर बत्रा सर वुड गाइड ऑल ऑफ अस दैट उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे भी आएगी। दीपेंद्र जी, नॉट ओनली दैट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला तो आपने इशू रेज कर दिया कि अगर मेरी रेंटल इनकम है, एम आई लायबल टू गेट माइसेल्फ रजिस्टर्ड, क्योंकि टैक्सेबल टर्नओवर में एग्जम्प्टेड इनकम भी इंक्लूडेड है, तो एक तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बनती है। अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन देखें तो वहां लिखा है सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, सो वन व्यू इज कि चैरिटेबल्स आर नॉट डूइंग बिजनेस, सो व्हाटएवर यू आर अर्निंग दे आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स। बट वो जमाने चले गए, साईं पब्लिकेशन का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जहां उन्होंने कहा था कि एवरी सेल कैन नॉट बी टैक्स, वहां ट्रस्ट वाज फॉर्मुलेटेड टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ साईं बाबा, बट व्हेन दे वर सेलिंग द फोटोज मूर्ति मालाज एक्सेट्रा, सो दे वर आस्क्ड टू पे वैट, बट नाउ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस हैज बीन चेंज्ड, सो नाउ दीज आर ऑल टैक्सेबल एक्टिविटीज। एक बात मैं सिंपल से कहना चाहूंगा, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, व्हाटएवर यू आर अर्निंग, एज्यूम इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, अनलेस अदरवाइज योर क्लाइंट कन्विंस यू कि ये एग्जम्प्ट है अंडर दिस नोटिफिकेशन या इसमें ये नहीं फॉल करता है, बाय एंड लार्ज द होल रिवेन्यू इज सब्जेक्ट टू टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट एनबीएफसी,
लैंडिंग इज अ टैक्सेबल सप्लाई, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू. व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएसटी लायबिलिटी वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, बट लैंडिंग इज अ टैक्सेबल एक्टिविटी. सो एवरीवेयर वट एवर रिवेन्यू इज कमिंग टू यू. और कई बार आप परचेज में से कम कर देते हैं, कई बार आप खर्चे कम कर देते हैं, तो आप ये भी देखिए जहां आप नेटिंग ऑफ कर रहे हैं उसको आप ये मान के चलो कि ऑडिट में अगर वो निकल आया और नेटिंग ऑफ में, फॉर एग्जांपल आपने टेलीफोन एक्सपेंस लिया, कुछ रिकवरी कर ली स्टाफ से, उसको नेटिंग में दिखा दिया और आपने पूरे बिलों का आईटीसी ले लिया. टेक्निकली स्पीकिंग जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपने बियर नहीं किया उसका आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए. तो इनकम टैक्स के ऊपर अगर आप चाहें तो सितंबर तक है, मैं अश्विनी जी से कह भी सकता हूँ दे कैन हैव ए फुल फ्लेज प्रोग्राम व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट लुकिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट. बिल्कुल सर, जरूर सर. तो अशोक झा जी आपका भी एक क्वेश्चन था, पूछिए सर जल्दी फिर क्लोज करेंगे. अशोक सर नमस्कार, आपके ही वीडियो वगैरह देख के हम लोग सॉरी सर द्वारा पूछिए, सॉरी वो परमिशन डिनाइड हो गई थी. जी जी ओके जी अशोक सर नमस्कार, मैं अशोक झा बोल रहा हूँ सर. जी गुरु जी, वो आपके ही वीडियो सब देख के हम लोग काम कर पाते हैं क्योंकि 14-15 घंटे ऑफिस में काम करके बुक तो नहीं देख पाते हैं सर, इतना वॉल्यूमिनस बुक है, सर्कुलर वगैरह है, फिर भी कोशिश करते हैं देखने की, लेकिन आपके वीडियो से ही सब कुछ समझ जाते हैं. तो प्रणाम सर इसके लिए, आपका आप ज्ञान देते हैं उससे से हम लोगों का काम चलता है. तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे एमनिस्टी स्कीम आई है और ये 16-5 आया है, 16-6 तो नहीं आया कैंसिलेशन वाला, तो ये नोटिफाई होगा सर कैंसिल डीलर के केस में, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है. जी सर जी, तो हम लोगों के लिए वो वाला एप्लीकेबल नहीं है. तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सेक्शन जो है ये हो गए नवंबर दिसंबर में नोटिफाई या अक्टूबर में होंगे और हमारे कई ऑर्डर आ गए हैं 73 का जैसे आपने बताया सर, तो उसमें क्या हो रहा है अपील लाइव करने के लिए ना सर, अपील तो हमने फाइल कर दी है, कई केसेज में 20-20 लाख 25-25 लाख मैंडेटरी डिपॉजिट है सर, तो वो क्या हो रहा है, जेसी अपील नहीं मान रहा है सर, वो कह रहा है 107 में नहीं लिखा है, तो लाइव कैसे रखे सर, ये पूछना था. देखिए अपील फाइल करेंगे तो प्री डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, इसमें सर रिफंड नहीं मिलता है बाद में सर. सुप्रीम हाँ जी, बाद में सर ये तो ऑर्डर तो इनफ्लक्चुएस हो गए हैं सर, उस टाइम वो नवंबर 21 तक नहीं था, उस टाइम सितंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास, अगर अमाउंट बड़े हैं तो यू कैन गो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर रिट आर्टिकल 226 और उनसे आप कह सकते हैं कि वी डोंट हैव मनी टू पे द प्री डिपॉजिट और ये सेक्शन नोटिफाई हो गया, वी आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट, सो इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन. और अगर आपने कमिश्नर अपील को करना है तो उसके पास कोई पावर नहीं है प्री डिपॉजिट वेव करने की, तो जमा कराना ही पड़ेगा सर. अब तो ये ओपन हो गया है, फाइनेंस बिल जो है एक्ट बन गया है, तो अब तो सबको पता चल गया है, तो लाइव रखना जरूरी है. मैं यही कह रहा था कि एक्ट बनने से कुछ नहीं होता, जीएसटी में वो सेक्शन नोटिफाई करने होते हैं, तो ये नोटिफिकेशन नहीं आई है, काइंडली मेक श्योर कि कहीं लिमिटेशन का भी टाइम निकल जाए अपील फाइल करने में. और कमिश्नर को हमारे यहाँ सिर्फ 30 दिन की पावर है डेट एक्सटेंड करने की, तो अगर ये ऑर्डर अप्रैल में आया और अगस्त तक ये टाइम बर्ड हो रहा है और एक्सटेंडेड पीरियड भी खत्म हो रहा है तो आपका कोई फायदा नहीं होगा. सो विद इन द लिमिटेशन पीरियड फाइल एंड अपील, कीप द इश्यू अलाइव, इफ द अमाउंट आर सब्सटेंशियल गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट. उसमें नॉर्मली हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देगा पर ये कह देगा इस पीरियड को निकाल को आप 15 दिन के अंदर अपील फाइल कर लो, हो सकता है बाय द टाइम इट इज नोटिफाइड. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी प्रेस रिलीज निकाल दी है कि 9 सितंबर में हम इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला वर्कआउट करेंगे और जीएसटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए. तो उसका एक ही रास्ता है कि स्टेट्स को ये कहा जाएगा वो ऑर्डिनेंस निकाल के इसको करें, जहां जहां बजट नहीं आ रहे हैं या जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां कोड लग चुके हैं, तो दैट इज द ओनली वे, तो ऑर्डिनेंस निकाल के इनको इंप्लीमेंट करेंगे. सो लेट अस वेट फॉर 9 सितंबर, द लाइन विल बी क्लियर, बट मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर. Any advantage you want to take under Section 16 or Amnesty Scheme 128A must keep the issue alive. Thank you very much, sir. आपने बहुत कम समय में पूरी चीजें क्लियर कर दी. तो आज का हमारा पर्पज यही था कि एक तो गुरुओं का आशीर्वाद ले सकें और तीन तीन टॉपिक हमने आज के 2 घंटे में कवर किए हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू दीपिंदर मोहन गर्ग जी, टैक्स गुरु डॉक्टर सी ए गिरीश हुजा जी, CA अशोक बत्रा जी, जीएसटी गुरु एंड ऑल दी पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग अस इन ए शॉर्ट वाइल. मैं इसमें एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा
करता है सब ऊपर वाला, हमारा तो सिर्फ नाम हो रहा है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका तो अब नाम भी नहीं ले सकते हम। तो मैं वैसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो टिल वी आर अंडर कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप बोका के प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपकी सुजेशन हो, आपकी कोई भी कंप्लेंट हो, आप हमें बेझिझक फॉरवर्ड कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्लेंट को भी एड्रेस कर सकें और आपकी सुजेशंस को भी आगे लेके हम उसके ऊपर जितने। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, आप अपनी क्वेरीज voiceofca@gmail.com पे भेज सकते हैं। वी आर एक्टिव ऑन ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया चैनल्स आल्सो, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे न्यूज लेटर्स चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे सब्सक्राइब करके लिख सकते हैं, आपको हमारे वीकली न्यूज लेटर्स भी आएंगे, सारे वेबिनार सेमिनार की इन्फॉर्मेशन आएगी, एंड ऑफकोर्स बहुत सारा वैल्यू एडिशन इन प्रोफेशन होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।